सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस वीडियो में हम रेविट में एक कंप्लीट 3D मॉडल बनाने वाले हैं, जिसमें आप सीख सकते हो कि रेविट में किस तरह से हम एक 3D बंगलो का मॉडल बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपको प्लानिंग, एक्सट्रूजन और बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में भी इसमें पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेविट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर रेविट का 2020 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस वर्जन को यूज कर सकते हो। तो रेविट के जो 2020 का वर्जन है, इसमें जो हमको वेलकम स्क्रीन मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, वाइट कलर में। आपके वर्जन में थोड़ा सा ये ग्रे कलर में नजर आएगा। ऑप्शंस यहाँ पर सेम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मॉडल स्पेस आपके ओल्डर वर्जन में यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, या फिर यहाँ पर भी प्रोजेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा आपके अगर ओल्डर वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो तो। तो यहाँ पर आपको न्यू फाइल पे क्लिक कर लेना है। न्यू फाइल पे लेने के बाद यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगर आपके कंप्यूटर पे ये ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर ब्राउज करके भी इसे ले सकते हो। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर में इन टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। मैंने अपने प्रोजेक्ट ब्राउजर और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल को यहाँ पर साइड में सेट कर दिया है। तो अगर आपके पीसी में ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है वो इस साइड में नजर आ रहा है, तो इजीली आप यहाँ से इसे ड्रैग करके और यहाँ पर इजीली सेट कर सकते हो। इससे आपको आसानी होगी इसे यूज करने में। तो मैं यहाँ पर राइट साइड में इसे सेट कर देता हूँ अपने माउस से। तो देखिए, प्रोजेक्ट ब्राउजर को मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है और प्रॉपर्टीज पैनल को मैंने यहाँ से सेट कर लिया है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल मिल गई है, तो सबसे पहले हम इसके यूनिट्स को चेक कर लेते हैं। तो अपने यूनिट को चेक करने के लिए हमको अपने कीबोर्ड से UN प्रेस करना है। सिर्फ मैं UN प्रेस करता हूँ यहाँ पर, और देख सकते हो कि प्रोजेक्ट यूनिट यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में जो यूनिट सेट है यहाँ पर लेंथ के पास, वो फीट और इंचेस में सेट है। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर मीटर्स या फिर दूसरा कोई भी यूनिट आप सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फीट फ्रैक्शनल इंचेस सेट कर लेना है, क्योंकि आज के इस 3D मॉडल में हम लोग जो फीट और इंचेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं यहां पर ओके प्रेस कर देता हूं और फिर से यहां पर ओके प्रेस कर देता हूं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में यूनिट को सेट कर लिया है। तो बाकी के कमांड्स जो है मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो YouTube में जाकर वो मेरा बेसिक का वीडियो देख सकते हो। अगर वो वीडियो आप पहले देखेंगे तो बिल्कुल आपको ज्यादा आसानी होगी इस वीडियो को समझने में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर आर्किटेक्चरल टैब का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वॉल, डोर्स, विंडोज़, कॉलम, रूफ, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखते हो कि प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने यहाँ पर मॉडल स्पेस में बनाते हैं तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल से कर पाएंगे। तो और यहाँ पर अगर आप जाते हो प्रोजेक्ट ब्राउजर में, तो प्रोजेक्ट ब्राउजर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएंगे। जैसे कि देख सकते हो, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, एलिवेशन, शीट, शेड्यूल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल हमने अभी फ्लोर प्लान के लेवल 1 को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का प्लान यहाँ पर ओपन है। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो लेवल 1 पे, जिससे आपको अपना ग्राउंड फ्लोर नजर आएगा। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग जो बंगलो बनाने वाले हैं, चलिए उस फाइल को ओपन करते हैं। मैंने जो आपको पैकेज दिया है तो उसके साथ ये फाइल भी मैंने प्रोवाइड की हुई है। अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इन फाइल्स को अवेलेबल किया है। तो चलिए उस फाइल को देखते हैं। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3D ट्यूटोरियल CAD फाइल के नाम से एक फोल्डर है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पर एक प्लान का एलिवेशन है, यहाँ पर प्लान है और यहाँ पर इसका एक 3D इमेज भी अवेलेबल है। तो इस 3D इमेज को हम लोग रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम लोग यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इसे कट कर देता हूँ। अब मैं इस प्लान को ओपन करता हूँ, तो डबल क्लिक करके मैं इस AutoCAD के फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन के लिए पूछ रहा है, यस कर दीजिए यहाँ पर और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये AutoCAD फाइल जो कि बिल्टअप एरिया 25 फीट बाय 50 फीट में बना हुआ है, तो इसी बंगलो को हम लोग अपने रेविट में इंपोर्ट करेंगे और इसी के रेफरेंस से हम रेविट में अपने 3D बंगलो को बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बेडरूम है, किचन है और सारे यूनिट जो इस्तेमाल किया हुआ है वो फीट इंचेस में है, तो हमने अपने रेविट में भी फीट इंचेस यूनिट सेट कर लिया है। तो चलिए इस फाइल को हम लोग अपने रेविट फाइल में इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको रेविट में आ जाना है। यहाँ पर रेविट में आने के बाद अगर आप यहाँ पर इंसर्ट टैब पे जाते हो तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट CAD करके ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने AutoCAD के 2D फाइल को रेविट में इंपोर्ट कर सकते हो और उसका इस्तेमाल करके 3D मॉडल बना सकते हो। तो चलिए हम लोग इंपोर्ट CAD का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट CAD करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप जहाँ पर आपने अपने CAD फाइल को सेव किया हुआ है वहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ 3D ट्यूटोरियल CAD फाइल। तो यहाँ पर मैं प्लान पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पर हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आपकी यहाँ पर CAD फाइल यहाँ पर सिलेक्टेड है और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स भी करने होंगे। तो चलिए इसके सेटिंग्स करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कलर्स की जगह पर प्रिजर्व नहीं रखना है, यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। अगर आप प्रिजर्व रखते हो तो AutoCAD के फाइल में जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं उसी कलर में आप रेविट में इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हो तो AutoCAD की फाइल जो इंपोर्ट होगी वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में नज़र आएगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट जनरली व्हाइट कलर में आपको अच्छा नज़र आएगा, तो आप यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट यूनिट सिलेक्ट कर लेना है, तो इंपोर्ट यूनिट यहाँ पर आपको इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है। इंच को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पोजिशन कर देनी है, तो पोजीशन सेलेक्ट कर लीजिए सेंटर टू सेंटर। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्लान है वो रेविट में बिल्कुल सेंटर पे प्लेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपल ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो AutoCAD फाइल है यहाँ पर बिल्कुल इन कैमरास के यहाँ पर सेंटर पे आ चुका है। याद रखिए ये जो आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे एलिवेशन देखने के लिए कैमरास होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एलिवेशन में 4 एलिवेशन है, तो ये चारों एलिवेशन के कैमरास यहाँ पर सेट हैं। तो इन कैमरास को आप एलिवेशन देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो याद रखिए आपको इन कैमरा के बीच में अपने मॉडल को बनाना है। अगर इस मॉडल को आप 3D में यहाँ पर देखते हो, अगर यहाँ पर 3D पे क्लिक करते हो तो 3D में आपको सिर्फ एक फ्लैट AutoCAD फाइल नज़र आएगी। तो ये 3D में बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो चलिए इसे हम 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर लेवल 1 पे डबल क्लिक करके इसे प्लान व्यू में देखता हूँ। तो अगर आप लेवल 1 पे जाते हो तो आपको अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान नज़र आएगा। अब चलिए हम लोग इसके वॉल थिकनेसेस को मेजर करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसमें वॉल बनाते हैं। तो यहाँ पर वॉल की थिकनेस मैं मेजर करने के लिए यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ पर DI टाइप करेंगे। तो DI टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस लाइन पे और इस लाइन पे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक्सटीरियर वॉल है वो 9 इंच की है और यहाँ पर हम लोग इंटीरियर वॉल को भी मेजर कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितने इंच की इंटीरियर वॉल है। तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे होंगे कि 4.5 इंच की यहाँ पर इंटीरियर की वॉल अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग अपने रेविट में 9 इंच और 4.5 इंच का यहाँ पर वॉल बना लेते हैं। तो स्केप कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आर्किटेक्चरल टैब में जाऊँगा और यहाँ पर मैं वॉल पे क्लिक कर लूँगा। वॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर
अपने वॉल के थिकनेस को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर इस पर क्लिक करते हो आप तो यहां पर आपको नजर आएगा कि यहां पर जो है 9 इंच की वॉल अवेलेबल नहीं है, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 12 इंच की वॉल अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग इस ये जो जेनेरिक फाइल है इसी को हम लोग चेंज करके 9 इंच की वॉल कर देते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और इसकी साइज को चेंज करेंगे। इसकी साइज को चेंज करने के लिए आपको यहां पर एडिट टाइप में क्लिक करना होगा। तो यह मैं यहां पर एडिट टाइप पे क्लिक करता हूं। एडिट टाइप में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है। याद रखिए कि अगर किसी भी ओरिजिनल फाइल में आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप सबसे पहले उस फाइल का एक डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल फाइल में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि ये फैमिली है, तो रेविट में जो कुछ भी रेडीमेड होता है उसे हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो ओरिजिनल फैमिली में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, इसका डुप्लीकेट। तो मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम डालता हूँ मैं यहाँ पर 9 इंच वॉल। ओके, तो यहाँ पर मैं 9 इंच और फिर यहाँ पर ओके प्रेस कर दूंगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया है। चलिए अब इसकी थिकनेस को चेंज करते हैं। याद रखिए कि नाम चेंज करने से यहाँ पर थिकनेस चेंज नहीं होगी। जब आप यहाँ पर एडिट में जाके चेंजेस करेंगे तब जाके वॉल की थिकनेस चेंज होगी। तो यहाँ पर मैं एडिट पे जाता हूँ, सबसे पहले एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर आप थिकनेस ऑप्शन देख सकते हो। तो थिकनेस और मटेरियल भी है यहाँ पर, अगर आपको कोई कलर डालना है, कोई मटेरियल डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। तो थिकनेस पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 9 इंच पुट कर देता हूँ। तो आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हो, 0 स्पेस करना है, स्पेस के बाद 9 करना है। तो यहाँ पर 0 फिट 9 इंच कंसिडर होगा। तो 0 के बाद स्पेस और फिर 9 को यहाँ पर प्रेस करना है और सिर्फ यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर 9 इंच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमने अपने वॉल के थिकनेस को भी चेंज कर लिया है, ओके करना है। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 9 इंच की भी वॉल अवेलेबल हो चुकी है और यहाँ पर 8 इंच की भी वॉल अवेलेबल है। हमने ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं किया, तो इस वॉल को हमने डुप्लीकेट किया सबसे पहले। डुप्लीकेट करने के बाद उसको नेम दिया और नेम डालने के बाद उसकी थिकनेस को चेंज की। तो चलिए हम लोग 4.5 इंच की भी वॉल यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 इंच की वॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से एडिट टाइप में जाता हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4.5 इंच। तो यहाँ पर 4.5 इंच ओके कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से हम लोग एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग 0 स्पेस कर देंगे, 4.5 इतना ही डालना है। तो यहाँ पर 4.5 इंच आ जाएगा, ओके करेंगे और यहाँ पर फिर से ओके प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 इंच की भी वॉल बन चुकी है हमारी और 9 इंच की भी वॉल बन चुकी है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले एक्सटीरियर वॉल जो कि 9 इंच के हैं उसे मैं क्रिएट करने वाला हूं। तो मैं यहां पर 9 इंच वॉल को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं 9 इंच वॉल पे। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको हाइट को यहाँ पर सेट कर लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट जो है अनकनेक्टेड हाइट यहाँ पर 20 फीट की नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप चाहो तो 10 फीट डाल सकते हो या फिर आप अपने फ्लोर की हाइट यहाँ पर पुट कर सकते हो, मगर रेविट में जनरली यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते। तो इसको करना क्या होता है कि यहाँ पर आपको सेकंड लेवल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सेकंड लेवल क्लिक कर दीजिए, इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो वॉल है उसकी हाइट लेवल 2 तक आएगी। ये लेवल 2 का मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्केप करते हो और एलिवेशन पर आते हो, तो यहाँ पर अगर नॉर्थ एलिवेशन पे आते हो तो देखिए यहाँ पर आपको दो लाइंस यहाँ पर नजर आएंगे। दो लाइंस ये लेवल्स के लाइन, इसे हम लोग लेवल्स बोलते हैं। तो जो लेवल 1 है वो 0 फीट पे है और लेवल 2 है वो 10 फीट पे है। तो अभी हमने अपने वॉल्स को लेवल 2 तक यहाँ पर सेट किया था, इसका मतलब ये होगा कि हमारे वॉल की हाइट जो है वो लेवल 2 तक आएगी। लेवल 2 तक आने का मतलब है वो 10 फीट की आएगी। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लेवल 1 पे चला जाता हूँ और एक वॉल लेके यहाँ पर सिंपल मैं एक वॉल ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक वॉल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं एलिवेशन पर जाता हूँ तो यहाँ पर एक मुझे वॉल मिल चुकी है जिसकी हाइट ऑटोमेटिकली लेवल 2 तक अटैच हो गई है। इसका फायदा ये होगा कि अगर कभी भी आप अपने लेवल के इस हाइट को चेंज करते हो, यहाँ पर 10 फीट की जगह आप 15 फीट करते हो,
तब भी हमारे वॉल्स ऑटोमेटिकली 15 फीट तक चले जाएंगे क्योंकि हमारे वॉल्स लेवल 2 तक आए हुए हैं। तो जब भी आप अपने लेवल्स की हाइट को चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको लेवल्स के हिसाब से रिविट में काम करना है। तो यहाँ पर आपको अनकनेक्टेड नहीं रखना है। चलिए मैं फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करके 10 फीट अपने फ्लोर की हाइट यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। आप चाहो तो 11 फीट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल 10 एंटर कर देते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से लेवल 1 के प्लान पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, लेवल 1 पे डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए फिर से मैंने अपने प्लान व्यू पे आ गया हूँ। अब हम इस व्यू में अपने प्लान को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वॉल लेते हैं। वॉल लेने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि लेवल 2 यहाँ पर सेट है। अनकनेक्टेड हाइट आपको नहीं रखना है, लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेना है। लेवल 2 सिलेक्ट होने के बाद अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो आप इस वॉल के सेंटर लाइन से अपने वॉल्स को ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सेंटर से ड्रॉ हो रहा है ये वॉल। तो इस तरह से आप सेंटर टू सेंटर ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपको सेंटर से ड्रॉ नहीं करना है तो आप यहाँ से लोकेशन लाइन को चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लोकेशन लाइन है, यहाँ पर मुझे वॉल सेंटर लाइन से ड्रॉ नहीं करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल एक्सटीरियर ले लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर एक्सटीरियर लेंगे तो आपको यहाँ से एक्सटीरियर का पॉइंट क्लिक करना होगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट है वो एक्सटीरियर का है। तो देखिए आप यहाँ से एक्सटीरियर के पॉइंट देकर भी आप अपने वॉल्स को ड्रॉ कर पाएंगे इस तरह से। अगर आप यहाँ पर इंटीरियर लेते हो तो आपको इंटीरियर साइड का पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे कि ये जो साइड है वो वॉल की इंटीरियर साइड है। तो इंटीरियर की साइड अगर आप देते हो तो आप इस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप स्पेस प्रेस करते हो तो अपने वॉल्स को आप फ्लिप कर पाएंगे। देख सकते हो आप स्पेस बार करने पर ये जो वॉल है वो फ्लिप हो जा रही है। इस तरह से आप फ्लिप भी कर सकते हो इजीली। तो इस तरह से आप अपने वॉल को यहाँ पर सेंटर लाइन से, एक्सटीरियर से या फिर इंटीरियर से भी बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिलहाल मुझे एक्सटीरियर ज़्यादा सिंपल लग रहा है तो मैं एक्सटीरियर पॉइंट ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एक वॉल आ गई। और भी वॉल्स होंगे यहाँ पर तो ड्रॉ कर लीजिए। 9 इंच के स्पेस करके आप इसे फ्लिप कर पाएंगे, देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस वॉल को भी। और इसी तरह से आपको यहाँ पर 4.5 इंच के भी वॉल यहाँ पर ड्रॉ कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल 4.5 इंच के भी वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं स्पेस करके यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं इसे ड्रॉ करूँगा। देखिए यहाँ पर स्पेस करके मैं इसे अंदर के साइड ले लूँगा। और यहाँ पर जहाँ पर आपको ये डोर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर भी वॉल बनानी है आपको। याद रखिए यहाँ पर भी वॉल आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिए इस तरह से स्पेस करेंगे और यहाँ पर आपको वॉल यहाँ तक बनानी है। ये डोर की स्पेस को यहाँ पर यहाँ तक आपको नहीं बनाना है, फुल ले लेना है यहाँ तक। यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। उसी तरह से इस बाथरूम के भी वॉल को आप बना सकते हो स्पेस करके। यहाँ पर भी एक वॉल क्योंकि यहाँ पर डोर है तो डोर में यहाँ पर आपको वॉल बनाना है। अगर आप वॉल नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर आप डोर को फिट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ऑटोकैड के फाइल का रेफरेंस लेके आप अपने वॉल्स को बना पाएंगे। तो यहाँ पर ऑटोकैड का रेफरेंस लेने की वजह से हमारा काम यहाँ पर बहुत ही फास्ट और इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यहाँ तक बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर डोर फिट तो हमें करना नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर ओपनिंग रख देता हूँ। यहाँ पर हमें डोर बनाना है तो यहाँ पर मैं फुल वॉल यहाँ पर बनाऊँगा। उसी तरह से यहाँ पर भी एक पार्टीशन वॉल है तो यहाँ पर भी मैं एक पार्टीशन वॉल बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पार्टीशन वॉल। तो हमने अपने प्लान के सारे वॉल्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। चलिए अब अपने प्लान में हम डोर्स को फिट करते हैं। तो डोर्स को फिट करने के लिए यहाँ पर आप डोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग साइज के डोर्स यहाँ पर मिलेंगे। याद रखिए आपने टेम्पलेट का यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको ये सारे रेडीमेड फैमिलीज आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेम्पलेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास टेम्पलेट फाइल नहीं है तो आप चाहो तो टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। आपको ऑटोडेस्क साइट में सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने डोर के साइज़ को। तो फिलहाल मैं 36x84 के साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर फिट करूँगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर वॉल पे जाना पड़ेगा। अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप का साइन नज़र आएगा।
तो यहाँ पर कोई भी डोर फिट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप वॉल पे नहीं जाएंगे तब तक आप इसे फिट नहीं कर पाएंगे। आप चाहो तो स्पेस बार का प्रेस करके आप अपने डोर को फ्लिप कर पाएंगे। तो स्पेस बार से यहाँ पर आप डोर को फ्लिप कर पाएंगे, और अगर कर्सर को नीचे या फिर ऊपर करते हो तो आप डोर को यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में फिट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर एक डोर फिट हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक डोर मैं स्पेस करके यहाँ पर भी फिट कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर भी फिट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी एक स्पेस करेंगे, यहाँ पर भी एक डोर फिट, यहाँ पर मेन डोर हम लोग फिट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ये वाला डोर भी यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर एक मेन डोर ले सकते हो अपने यहाँ पर लोड फैमिली करके। तो लोड फैमिली का इस्तेमाल जनरली हम अपने फाइल में कुछ नए फैमिलीज़ को ऐड करने के लिए करते हैं, मतलब कुछ नए डिज़ाइन के डोर्स को ऐड करने के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोड फैमिली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लोड फैमिली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर US Imperial को सिलेक्ट करता हूँ। तो US Imperial पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे, इसे सबको हम लोग फैमिलीज़ बोलते हैं। तो रेविट हमें रेडीमेड फैमिलीज़ अवेलेबल करता है, तो उसी तरह से डोर के भी फैमिलीज़ हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर नीचे जाएंगे तो विंडोज के भी फैमिलीज यहां पर अवेलेबल हैं। फिलहाल हम लोग यहां पर डोर पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर बहुत सारे ग्लास डोर्स हैं। मुझे यहां पर रेसिडेंशियल पे जाना है, तो रेसिडेंशियल, और यहां पर आप मेन डोर यहां पर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेन डोर ले लेता हूँ और यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको कौन कौन से साइज के डोर यहाँ पर इंपोर्ट करने हैं। तो आप यहां पर सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए 5 फीट, और चाहो तो कंट्रोल प्रेस करके दूसरे भी साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन आप कर पाएंगे। मेरे मुझे फिलहाल 5x7 का ही डोर यहां पर चाहिए, तो मैं इसे ओके करके इंपोर्ट कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर अगर आप इस लिस्ट में जाएंगे तो हमारा जो है पहले सिर्फ एक साइज का डोर अवेलेबल था यहाँ पर एक डिज़ाइन में, अब दूसरा भी डिज़ाइन हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो चलिए इसे भी हम लोग क्लिक करके यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा डोर यहाँ पर फिट कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर अब स्केप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक छोटे साइज़ के भी डोर यहाँ पर हमें लगाने होंगे। तो फिर से मैं डोर पर चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं इन 30x84 के डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस वॉल पे इस तरह से मैं इसे फिट कर देता हूँ। उसी तरह से इसमें भी मुझे फिटिंग करना है, तो स्पेस करके यहाँ पर भी फिट कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैंने अपने डोर्स को फिट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस प्लान के विंडोज़ को फिट करेंगे। तो प्लान में विंडोज़ को फिट करने के लिए आपको विंडो की पोजिशन मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर जाते हो, विजुअल स्टाइल बोलते हैं इसे, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप के आपको विजुअल स्टाइल मिलेंगे। अगर आप रियलिस्टिक करेंगे तो वॉल आपको यहाँ पर कलर में नज़र आएंगे, मतलब रियलिस्टिक कलर में नज़र आएंगे। कंसिस्टेंट में आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इसी शेडेड में, इसी तरह से आप हिडन में, जो कि अभी हमारा था हिडन, और यहाँ पर अगर आप वायर फ्रेम करते हो तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आएगा अपना प्लान। तो देखिए अब हमारा प्लान जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे ऑटोकैड में जो यहाँ पर विंडोज़ थे वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये जो विंडोज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो ऑटोकैड फाइल में थे। तो चलिए इन्हीं पोजीशन पे हम लोग अपने विंडोज़ को भी फिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे मेजर कर लेता हूँ कि कितने साइज़ का ये विंडो है। तो विंडो की साइज़ मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर DI प्रेस करता हूँ। तो DI प्रेस करेंगे और मैं सिंपल इस लाइन पे जाऊँगा, देख सकते हो हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से इस लाइन पे जाएंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 फीट की विंडो है। स्किप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक विंडो है, तो यहाँ पर भी 5 फीट की विंडो है। इसी तरह से यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक विंडो है। तो यहाँ पर सिंपल आपको मेजर कर लेना है इसे, तो यहाँ पर जूम करके आप मेजर कर लीजिए। यहाँ पर अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम तो यहाँ पर 4 फीट की विंडो है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के विंडोज़ यहाँ पर है। किचन में कोई भी विंडो नहीं है, बेडरूम में भी कोई भी विंडो नहीं है यहाँ पर, मगर हम लोग क्या करेंगे कि बेडरूम में और किचन में भी यहाँ पर विंडो फिट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग हॉल में भी एक एक्स्ट्रा विंडो फिट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब विंडोज़ डालने की कोशिश करते हैं। तो विंडोज़ को फिट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर विंडो पे जाना है। विंडो पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस टेम्पलेट में ये
फिक्स टाइप के विंडो अवेलेबल है, उसी तरह से केसमेंट डबल विंडो अवेलेबल है, इसी तरह से विंडो टाइप हंच टाइप के विंडोज़ अवेलेबल है और उसमें कुछ अलग अलग साइज भी अवेलेबल है। मगर मुझे इस टाइप के विंडो नहीं चाहिए, मुझे एक स्लाइडिंग विंडो चाहिए। तो स्लाइडिंग विंडो को लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लोड फैमिली पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर लोड फैमिली पे क्लिक करता हूँ। लोड फैमिली पे जाने के बाद आपको यहाँ पर विंडो पे जाना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर बैक आता हूँ। यहाँ पर बैक आने के लिए मैं यहाँ पर से भी बैक आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर US इम्पेरियल में आ जाता हूँ। इम्पेरियल में आने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में जाना है विंडोज़ के फोल्डर पर। विंडोज़ के फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप के विंडोज़ अवेलेबल है। अगर आपको इस तरह के आइकॉन नज़र नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर व्यू पे जाके यहाँ पर थंबनेल कर सकते हो। लिस्ट करेंगे तो इस तरह का नज़र आएगा, यहाँ पर डिटेल करेंगे तो इस तरह का नज़र आएगा और थंबनेल करेंगे तो इस तरह का नज़र आएगा। आप कंट्रोल और यहाँ पर स्क्रॉल करके इसे बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। कंट्रोल प्लस मिडल स्क्रॉल बटन आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ के और अलग अलग डिज़ाइन के विंडोज़ यहाँ पर देखिए बहुत से डिज़ाइंस अवेलेबल है। आप इजीली इन्हें इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं स्लाइडिंग विंडो यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में यहाँ पर एक डबल पैनल की स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से अब आपको इसके साइजेस को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं किचन विंडो के लिए यहाँ पर 5x3 विंडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस विंडो को 5x3 फीट किचन के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 4x4 को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पर 4x4 5x4 के इन दो विंडोज़ को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस होने के बाद यहाँ पर लोड हो जाएगा आपकी फैमिली। तो देख सकते हो यहाँ पर लोड हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है नाम विंडो स्लाइडिंग डबल और इसमें तीन साइज अभी अवेलेबल हो चुके हैं। आप चाहो तो इनकी साइज को चेंज भी कर सकते हो। साइज को चेंज करने के लिए आपको किसी भी एक टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने 48x48 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एडिट टाइप में जाना है। एडिट टाइप करने के बाद डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट में यहाँ पर आपको जो साइज चाहिए वो साइज यहाँ पर पुट कर देना है। ओके पर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर विड्थ और हाइट को चेंज करना है। याद रखिए अगर आप यहाँ पर नाम डालते हो तो कोई भी साइज में चेंजेस नहीं आएंगे जब तक आप यहाँ पर डायमेंशंस को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर आपको विड्थ को चेंज कर देना है और यहाँ पर हाइट को भी चेंज कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी साइज के विंडो को यहाँ पर बना सकते हो। इसी तरह से आप डोर के साइज को भी चेंज कर सकते हो एडिट टाइप का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिलहाल मुझे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ किचन के विंडो को जो कि है 60x36। तो मैं यहाँ पर 60x36 के विंडो पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इस यहाँ पर फिट कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर एक विंडो आ रहा है फिटिंग के लिए। तो बिल्कुल सेंटर पर आपको इसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर फिट हो गया। यहाँ पर अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर विजुअल स्टाइल को वायर फ्रेम में किया हुआ है। अगर आप हिडन करेंगे तब जाके आपको यहाँ पर विंडो नज़र आएंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको वायर फ्रेम, फिलहाल के लिए मैं वायर फ्रेम कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर विंडोज़ को यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर विंडोज़ नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पर हिडन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ नज़र नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर हिडन रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर भी एक फिटिंग कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 60x48 को ले लेता हूँ 5x4 फिट। तो यहाँ पर बराबर सेंटर पर आपको अलाइन कर देना है अपने विंडो को। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप विंडो फिट हो गया। यहाँ पर भी एक क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर भी फिट करना है। उसके बाद यहाँ पर भी फिट करना है। यहाँ पर 4 फिट का विंडो है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 48x48 और यहाँ पर एक विंडो फिट कर देंगे 48x48 का। और उसके बाद बेडरूम में भी हम लोग यहाँ पर 2 विंडोज़ फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फेंट में। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी आप यहाँ पर फिट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी फिट कर सकते हो 5 फिट के विंडो को। तो मैं यहाँ पर 5 फिट का विंडो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप फिट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे विंडोज़ को फिट कर लिया है। आप चाहो तो आप यहाँ पर हिडन पे जा सकते हो ताकि आपको सारे विंडोज़ यहाँ पर इजीली नज़र आएँ। तो अब सारे विंडोज़ हमें नज़र आ रहे हैं।
चलिए आप थोड़ा सा टॉयलेट बात के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर्स हम लोग ले लेते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर विंडो पे जा सकते हो, उसके बाद यहाँ पर जाके आप इस डबल हंच टाइप के विंडो को यूज़ कर सकते हो अपने एज ए वेंटिलेटर्स। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी एक साइज़, और यहाँ पर एडिट टाइप में जाके इसे मैं इसकी साइज़ को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको जो भी साइज़ यहाँ पर चाहिए वो पुट कर दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर 30 इंचेस लेने वाला हूँ, तो 30 इंचेस ओके। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है डुप्लीकेट करके। अब यहाँ पर नाम चेंज करने से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको इसकी साइज़ को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं हाइट को यहाँ पर 0 space 30 कर देता हूँ, मतलब कि 30 इंच, या फिर आप 2 space 6 रख सकते हो यहाँ पर, 2 space 6 मतलब होगा 2 feet 6 inch, इसका भी मतलब 30 इंच ही होता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 feet 6 inch, ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर 24x30 inch का यहाँ पर विंडो अवेलेबल हो चुका है, इसे भी हम लोग यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लगा देता हूँ इस विंडो को, और फिर यहाँ पर भी एक लगा देंगे हम लोग। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने वेंटिलेटर्स को फिट कर सकते हो, यहाँ पर भी एक लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिए अपने विंडोज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं यहाँ पर अपने स्टेयरकेस को बनाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टेयरकेस को यहाँ पर बनाते हैं। तो स्टेयरकेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर अपने जो आपने जो प्लान बनाया है उसमें प्लिंथ चाहिए या नहीं। अगर आपको प्लिंथ हाइट चाहिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ लेवल वगैरह बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे 3D में देखना चाहूँ तो अभी मैं देख सकता हूँ। 3D में देखने के लिए आपको यहाँ पर 3D ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, 3D व्यू। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3D में भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। अगर आपको इसे रोटेट करके देखना है तो आप रोटेट कर सकते हो शिफ्ट प्लस मिडल माउस का इस्तेमाल करके। शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपको और मिडल माउस को भी होल्ड करना है यहाँ पर, दोनों प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है 3D मॉडल रेडी हो रहा है। यहाँ पर हमने कोई भी स्टेयरकेस अभी फिट नहीं किया है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो यहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीचे यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए इनकी सील हाइट को हम लोग चेंज करते हैं। तो ईजिली हम इनकी सील हाइट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आपको इन तीनों पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि सील हाइट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर सील हाइट कर देता हूँ 4 feet, तो यहाँ पर 4 feet कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा 4 feet यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर 4 feet आने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप ऑर्बिट कर सकते हो इस व्यू क्यूब का इस्तेमाल करके। तो इस पर आपको क्लिक करके होल्ड करना है और इस तरह से अपने माउस को आप रोटेट कर सकते हो। तो माउस को इस तरह से रोटेट करने के बाद आपको ये रोटेट होगा, और या फिर आप कोई भी फ्रंट व्यू, यहाँ पर राइट व्यू, इस तरह से कोई भी व्यू आप अपने इसमें देख पाएंगे। आइसोमेट्रिक देखना है तो इन कॉर्नर्स पे आपको क्लिक करना होगा जिससे आप इसके आइसोमेट्रिक व्यू को देख पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सिलरी व्यू भी आता है तो ऑक्सिलरी व्यू भी देख पाएंगे अपने प्लान का। तो आइसोमेट्रिक ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि इसके नीचे कोई भी फ्लोर नहीं है और ऊपर से भी कोई फ्लोर नहीं है, और इसमें फ़िलहाल कोई भी प्लिंथ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल यहाँ पर इसके यहाँ पर कर देता हूँ कंसिस्टेंट कलर। तो कंसिस्टेंट कलर में आपको ये कलरफुल नज़र आएगा, और यहाँ पर अगर रियलिस्टिक करते हो तो रियल व्यू आपको अपने प्लान का यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए कि यहाँ पर वुडन कलर भी नज़र आ रहा है, सारे मटेरियल्स पहले से ही डाले हुए हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कंसिस्टेंट कलर भी कर सकते हो, थोड़ा सा ब्राइट कलर में नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले प्लिंथ ऐड करता हूँ, और प्लिंथ ऐड करने के बाद यहाँ पर स्टेयरकेस हम लोग बनाएंगे। तो प्लिंथ ऐड करने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर सिंपल आपको एलिवेशन व्यू में चले जाना है। तो कोई भी एलिवेशन ले लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कोई भी एलिवेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एलिवेशन लेने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपको लेवल 2 नज़र आ रहा है उसे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस 10 feet को आपको 12 feet कर देना है। 12 फीट कर देंगे, 12 एंटर, तो 12 फीट पे हमारी फ्लोर हाइट यहाँ पर चली जाएगी। तो देख सकते हो हमारी फ्लोर हाइट यहाँ पर ऑटोमेटिकली 12 फीट चली गई है। और ये जो लेवल 1 है इसे हमको कर देना है यहाँ पर 2 फीट पे, तो 2 फीट एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेवल 1 है वो 2 फीट है, लेवल 2 है वो
यहाँ पर 12 फीट है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फ्लोर हाइट आएगी यहाँ पर वो 10 फीट की आएगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा 10 फीट हो गया है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग एक और लेवल इसमें ऐड करते हैं अपने प्लिंथ के लिए। तो लेवल बनाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल लेवल पे जाना है। तो लेवल पे मैं क्लिक करता हूँ। लेवल पे क्लिक करने के बाद आपको अपने माउस से यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से लेकर इक्वल बनाना है, आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ से तो लेकर इक्वली यहाँ तक बनाना है, देखिए इक्वली यहाँ पर बराबर इस पॉइंट तक आने तक आपको बनाना है। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आपको इसके प्रेस कर देना है। तो मैंने एक और लेवल यहाँ पर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेवल 3 आ चुका है। अब मैं करता क्या हूँ कि इसकी हाइट जो है फिलहाल माइनस में आ गई है, तो माइनस हमें नहीं चाहिए, ये जो लेवल है मुझे जीरो पे रखना है। मैं करता क्या हूँ कि इस पर डबल क्लिक करता हूँ इस डिस्टेंस पे, और उसके बाद इसे मैं जीरो पे यहाँ पर जीरो एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये लेवल ऑटोमेटिकली हमारा जीरो पे चला गया है। और हुआ क्या, यहाँ पर एक दूसरे पे ओवरलैप भी हो रहा है, तो ओवरलैप होने की वजह से हमें यहाँ पर साइज नज़र नहीं आ रही। तो आप चाहो तो यहाँ पर देखिए इस एल्बो पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये नीचे आ जाएगा। इस पॉइंट का इस्तेमाल करके आप इसे ड्रैग भी कर सकते हो इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आप इसे ड्रैग कर सकते हो। तो हमारे सारे लेवल्स यहाँ पर नज़र आने चाहिए, इनका नाम भी आप डाल सकते हो चाहो तो। तो देखिए हमारा अब यहाँ से ये जो 2 फीट हमारा आ गया है, ये जो 2 फीट का हमारा लेवल है, यहाँ पर हमारी प्लिंथ आएगी। तो ये प्लिंथ की हाइट मैंने यहाँ पर डाल दी है। चलिए इनका नाम भी हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ इस लेवल 1-3 पे, डबल क्लिक, और यहाँ पर डालते हैं 1 नंबर, 1 नंबर डालना है। उसके बाद ग्राउंड लेवल यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पर लेवल डाल देना है ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल हम लोग डाल देंगे और साइड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो यस करने के बाद होगा क्या, वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यू, यस करेंगे तो आप देख सकते हो कि जैसा कि हमने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर चेंज कर दिया है, यहाँ पर भी 1 नंबर पे यहाँ पर फ्लोर प्लान दिखा रहा है ग्राउंड लेवल। तो यस करने पर यहाँ पर भी नेम आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस पर भी डबल क्लिक करना है, 2 डॉट करना है। अगर 2 डॉट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फ्लोर डाल सकते हैं या फिर प्लिंथ लेवल भी आप डाल सकते हो, प्लिंथ लेवल या फिर यहाँ पर आप फर्स्ट फ्लोर भी डाल सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर साइड पे क्लिक, और आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। अगर नो करेंगे तो यहाँ पर लेवल 1 का नाम यहाँ पर चेंज नहीं होगा, मुझे चेंज करना है इसलिए मैं यस कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर जाते हैं डबल क्लिक, 3 डॉट करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर सेकंड फ्लोर डाल सकते हो, यहाँ पर सेकंड और स्लैब लेवल डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्लैब लेवल डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा एक ही फ्लोर का यहाँ पर मैं प्लान बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्लैब फ्लोर डाल सकते हो, स्लैब फ्लोर, और यहाँ पर मैं साइड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ पर देखिए सारे हमारे लेवल्स तैयार हैं। आप चाहो तो एक और लेवल यहाँ पर बना सकते हो अपने हेडरूम के लिए। चलिए अभी हम लोग हेडरूम के लिए बना लेते हैं एक और लेवल। तो मैं यहाँ पर लेवल पे क्लिक करता हूँ और एक और लेवल इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक अपने हेडरूम के लिए। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, 4 डॉट यहाँ पर डालेंगे, 4 डॉट, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे हेडरूम, यहाँ पर हेडरूम लेवल बना देंगे, साइड पे क्लिक और यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर हेडरूम के लिए भी एक लेवल हमने बना लिया है जिसकी हाइट 0 से 21 फीट पे है। तो याद रखिए यहाँ पर जो हाइट हमें नज़र आ रही है वो बिल्कुल 0 लेवल से नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप 0 लेवल से हाइट डाल सकते हो, या फिर अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन भी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर 8 फीट के ऊपर कोई भी हाइट रख सकते हो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 9 फीट आ गया है, मैं फिलहाल इसकी हाइट 9 फीट ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं 9 फीट रख देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए अब हम लोग इसके स्टेयर केस को यहाँ पर फिट करते हैं। तो स्टेयर केस को फिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाना है डबल क्लिक करके। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टेयर केस पे क्लिक करना है। स्टेयर केस पे क्लिक करने के बाद स्टेयर केस का यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद यहाँ पर आपको स्टेयर केस का टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टाइप अवेलेबल है, असेंबल्ड स्टेयर, जैसा कि असेंबल्ड स्टेयर क्या होता है कि इसमें आपको फैब्रिकेशन टाइप के स्टेयर्स केस अवेलेबल है, तो हमें फैब्रिकेशन पे नहीं करना है। कास्ट इन प्लेस ये आपको कंक्रीट में नजर आएगा, और प्रीकास्ट जो यहाँ पर प्रीकास्ट भी अवेलेबल है, अगर आप
इस तरह के स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना चाहो तो। फिलहाल मैं यहाँ पर कास्ट इन प्लेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो हम अपने YouTube चैनल में सारे वीडियोस डिटेल में डालने वाले हैं, तो आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोनोलिथिक स्टेयर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मोनोलिथिक लेने के बाद अब आपको यहाँ पर लोकेशन लाइन को सेट कर देना है। तो लोकेशन लाइन से होता क्या है कि अभी यहाँ पर लोकेशन लाइन जो सेट है वो सेंटर है। अगर सेंटर में रहेगा तो आप कैसे, अगर यहाँ पर क्लिक करते हो कहीं पर भी, तो ये देखिए यहाँ पर जो स्टेयरकेस हमारी ड्रॉ हो रही है वो बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप स्टेयरकेस को सही से नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर लोकेशन लाइन लेफ्ट साइड में सेट कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप सेट करते हो तो अब आप अपने स्टेयरकेस को लेफ्ट साइड के पॉइंट देकर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से लेफ्ट साइड के पॉइंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट कर लेना है, जैसे कि इस तरह से, कुछ इस तरह से देखिए लेफ्ट साइड के पॉइंट देकर आप अपने स्टेयर को बना सकते हो। तो इस तरह से आपको लेफ्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक्चुअल विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर 3 फीट ही रहने देने वाला हूँ, 3 फीट। और उसके बाद यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स। डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स आपको यहां पर 16 करना है, 16 एंटर। तो यहां पर 16 लेने के बाद आपको एक्चुअल ट्रेड डेप्थ, यहां पर ट्रेड आपको ले लेना है 9 इंच। जनरली 10 इंच होता है मगर यहां पर 9 इंच है इस प्लान में, तो मैं यहां पर 9 इंच सेलेक्ट कर लेता हूं, 16 राइजर्स सेलेक्ट कर लेता हूं। ऑटोमेटिकली यहां पर राइजर हाइट कैलकुलेट हो गई है, 7.5 इंच राइजर हाइट होगी यहां पर ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ दो वैल्यूज डालने हैं आपको यहां पर, राइजर डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स और यहां पर ट्रेड टेप। उसके बाद यहां पर रन विड्थ जो कि स्टेयर की विड्थ होगी, तो विड्थ यहां पर 3 फीट और यहां पर लेफ्ट और यहां पर मोनोलिथिक, इतना लेकर आपको अपने स्टेयरकेस को स्टार्ट कर देना है। तो इस पॉइंट से मैं अपने स्टेयरकेस को स्टार्ट करूंगा। तो देखिए यहां पर ड्रॉ हो रहा है तो आपको नजर नहीं आएगा फिलहाल, और यहां पर नीचे भी शो कर रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर शो कर रहा है 8 राइजर क्रिएटेड, देख सकते हो 8 राइजर क्रिएटेड, 8 रिमेनिंग। तो यहां पर मैं 8 राइजर्स क्रिएट कर देता हूं यहां पर क्लिक करके। तो ये देखिए 8 राइजर्स यहां पर क्रिएट हो गए। अब मैं यहां पर इसके स्ट्रेट इस पॉइंट पर आऊंगा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो बाकी स्टेयर्स हैं उसे भी ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट, यहाँ पर ऑटोमेटिक लैंडिंग भी क्रिएट हो गई है और बाकी के स्टेप भी आ गए हैं। तो इस तरह से मैंने 16 स्टेप का यहाँ पर एक यू शेप का स्टेयरकेस ड्रॉ कर लिया है। होने के बाद आपको यहाँ पर फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आप चाहो तो अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट को सेव करते हैं हम लोग 3D बंगलो के नाम से। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नाम इसका और यहाँ पर सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद यहाँ पर आपको इसको 3D व्यू में देखना है। तो 3D व्यू में अगर आप यहाँ से जाते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्टेयरकेस रेडी हो चुका है, देख सकते हो इसमें रेलिंग भी आ चुका है, मगर ये वॉल के साइड में हमें रेलिंग नहीं चाहिए। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रेलिंग्स हमने डिलीट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो इन रेलिंग्स के डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हैं, तो इन रेलिंग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है टाइप्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 5-6 टाइप के यहाँ पर रेलिंग्स अवेलेबल हैं। तो ग्लास पैनल लेते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो रेलिंग है वो ग्लास पैनल का हो जाएगा, जो कि बहुत ही दिखने में खूबसूरत नज़र आता है। उसी तरह से आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अलग और भी टाइप है, हैंडरेल टाइप के, तो इस तरह से आप रेलिंग ले सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए इस टाइप के अलग अलग टाइप के अवेलेबल है। तो मैं फिलहाल ग्लास पैनल अवेलेबल यहाँ पर है तो इसे ही सेट कर देता हूँ। तो ग्लास पैनल मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस भी ड्रॉ हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं इसका नीचे का प्लिंथ। तो प्लिंथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। याद रखिए फर्स्ट फ्लोर पे जाइए। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद आप चाहो तो आप इस ऑटोकैड फाइल को डिलीट कर सकते हो। देखिए ये जो रेफरेंस के लिए हमने रखा था ये ऑटोकैड फाइल, उसे आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि अभी हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा ऑटोकैड फाइल अब डिलीट हो चुका है, हमें जिसकी ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं अब हम लोग और इसे प्लिंथ ड्रॉ करते हैं। प्लिंथ बनाने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट फ्लोर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ्लोर ले लेना है और फ्लोर को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 12 इंच थिकनेस का फ्लोर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 फीट थिकनेस का कर देंगे, जो हमारे
प्लिंथ की तरह एक्ट होगा। तो हमारे प्लिंथ की तरह इसे हमें बना लेना है, तो मैं एडिट टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर प्लिंथ, तो प्लिंथ नाम डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2 फीट कर देंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। 2 फीट डालने के बाद यहाँ पर एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको थिकनेस को सेट कर लेना है। याद रखिए कि जब तक आप लोग थिकनेस चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे तब तक आपकी फ्लोर की थिकनेस चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 फीट, ओके, यहाँ पर 2 फीट ओके कर देते हैं और फिर से ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लिंथ 2 फीट आ चुका है। चलिए अब हम लोग अपने यहाँ पर प्लान में फ्लोर के बाउंड्री लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर लाइन ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर लाइन लेकर आप इस तरह से अपने फ्लोर के बाउंड्री को ड्रॉ कर सकते हो। तो बाउंड्री ड्रॉ करनी है आपको अपने फ्लोर की, तो कुछ इस तरह से आपको बाउंड्री ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से क्लोज कर देना है अपने बाउंड्री को इस तरह से। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, डिलीट, तो मैं इसे डिलीट इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक करना है, ड्रैग करना है, इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पर ले लीजिए पिक वॉल्स, तो पिक वॉल से भी आप इसके बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ पिक वॉल। अभी आपको इस वॉल पे जाना है और टैप प्रेस करना है, सॉरी यहाँ पर टैप प्रेस करना है आपको, पिक वॉल पे जाना है अपने कर्सर को लेके और टैप प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बाउंड्री के सारे वॉल सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से आपको टैप प्रेस करना है और क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर बाउंड्री लाइंस ड्रॉ हो गए हैं, मगर देख सकते हो कि ये जो बाउंड्री है यहाँ से आ गई है। तो इस तरह से कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर इस तरह से लेकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन, और यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो ट्रिम कर सकते हो। तो ट्रिम के लिए TR प्रेस करना है, TR, यहाँ पर TR प्रेस करेंगे और इस लाइन पे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे, और उसी तरह आपको इस लाइन पे और इस लाइन पे क्लिक कर देना है, तो एक्स्ट्रा लाइंस वो डिलीट हो जाएंगे। तो ट्रिम का इस्तेमाल किस तरह से होता है रेविट में, कि समझो आपके पास कुछ इस तरह के लाइंस हैं और यहाँ पर आप ट्रिम करते हो TR, तो देखिए इस लाइन पे और इस लाइन पे तो कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा लाइंस भी यहाँ पर होंगे, तो ऑटोकैड में जिस तरह से फिलेट कमांड एक्टिव होता है उसी तरह से यहाँ पर ट्रिम कमांड है, तो सेम फिलेट और ट्रिम यहाँ पर सेम है। तो TR प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप कॉर्नर तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से ट्रिम का इस्तेमाल होता है, शॉर्टकट है TR, TR प्रेस करके आप ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी ये देख सकते हो आप ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, यहाँ पर भी एक कमांड अवेलेबल है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हमने बाउंड्री तो ड्रॉ कर ली है, अब हम यहाँ पर फिनिश कर देते हैं और यहाँ पर 3D व्यू में देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्लिंथ भी ड्रॉ हो चुका है, तो यहाँ पर 2 फीट की प्रिंथ आ चुकी है, और यहाँ पर हमें यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो चलिए यहाँ पर एंट्री के लिए भी कुछ स्टेप्स हम लोग बना लेते हैं। तो स्टेप्स को बनाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाना होगा आपको, ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद, ग्राउंड लेवल से जब जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टेयर ले लेना है। स्टेयर लेने के बाद आपको यहाँ पर मोनोलिथिक, यहाँ पर आपको लेफ्ट ले लेना है, यहाँ पर 3 फीट या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 4 राइजर्स आपको लगने वाले हैं अपने एंट्री को बनाने के लिए, और यहाँ पर 1 फीट का यहाँ पर ट्रेड आएगा। अब आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर स्टार्ट करना है क्लिक करके, तो और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है लास्ट में। देखिए हमारा स्टेयर केस ड्रॉ हो गया, मैं ड्रैग करके इसे यहाँ पर ले आता हूँ। देखिए हमारा स्टेयरकेस यहाँ पर आ चुका है, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। देखिए हमारे स्टेयरकेस भी बना लिया है, फिनिश करेंगे इस पे। फिनिश करने के बाद आप 3D में देख सकते हो यहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक एक स्टेयरकेस ड्रॉ हो चुका है, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर एंट्री के लिए कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ रेलिंग्स को, तो रेलिंग्स को आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग नज़र आ रहा है आपको इसके नीचे, तो आप इसे फिलअप कर सकते हो, आगे चल के हम इसे फिलअप कर देंगे। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर स्टेयरकेस भी बना लिया है, प्लिंथ भी बना लिया है। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर एक स्लैब लगाते हैं। तो स्लैब बनाने के लिए यहाँ पर मैं जाऊँगा स्लैब फ्लोर पे। तो स्लैब फ्लोर पे जाने के बाद देख सकते हो कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है यहाँ पर हमें फेंट में नज़र आ रहा है, कि यहाँ पर हमें रेफरेंस के लिए नज़र आ रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करके इसके स्लैब को बना सकते हो। चलिए स्लैब के लिए हम लोग यहाँ पर फ्लोर लेते हैं, अब इसकी थिकनेस को हम लोग चेंज कर देंगे। तो 6 इंच के फ्लोर के मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एडिट टाइप। एडिट टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है स्लैब,
और यहाँ पर थिकनेस दे देनी है 6 इंच। तो यहाँ पर नाम तो मैंने चेंज कर दिया है, अब मैं इसका थिकनेस चेंज करूँगा एडिट में जाके। तो यहाँ पर 6 इंच डाल देते हैं, 6 इंच इस तरह से सिंबल डालकर भी आप कर सकते हो। ओके प्रेस कर देना है, ओके प्रेस कर देना। तो यहाँ पर हमारा स्लैब भी 6 इंच का आ गया है। हम लोग लाइन से ड्रॉ करते हैं, फिलहाल लाइन लेते हैं और कुछ इस तरह से आप बाउंड्री पे क्लिक कर सकते हो। सारे कॉर्नर्स पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से आप क्लिक करके इन बाउंड्रीज को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लिक करने हैं और यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आपको वुड यू लाइक वॉल्स दैट गो अप टू दिस लेवल टू अटैच इट्स बॉटम, यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद होगा क्या, अगर आप यहाँ पर 3D में देखते हो तो हमारे जो वॉल्स हैं वो इस फ्लोर के बॉटम में अटैच हो जाएंगे। देख सकते हो कि यहाँ पर जो वॉल्स हैं इस फ्लोर के बॉटम में अटैच हो चुके हैं। तो आप अगर एलिवेशन में भी जाते हो तो किसी भी एलिवेशन को आप यहाँ पर डबल क्लिक करके देख सकते हो। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर वॉल्स हैं, यहाँ पर ये जो वॉल्स हैं लेवल तक न जाते हुए हमारे स्लैब के बॉटम पे अटैच हो गए हैं। तो यस करना है आपको फ्लोर बनाने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर फ्लोर भी रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसके लिए हेडरूम बनाते हैं और हेडरूम बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग पोर्च भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसके लिए हेडरूम यहाँ पर बनाते हैं। हेडरूम बनाने से पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट कर लेनी है अपने स्टेयरकेस के लिए। तो चलिए ओपनिंग कैसे क्रिएट करना है अपने स्टेयरकेस के लिए देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक शाफ्ट ओपनिंग दिया हुआ है ऑप्शन, तो शाफ्ट ओपनिंग से क्या कर सकते हो, आप अपने स्टेयरकेस के लिए अपने फ्लोर्स में ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक बॉक्स है यहाँ पर, जिस बॉक्स की वजह से हमारे फ्लोर्स में ओपनिंग हो जाती है। तो चलिए इसी बॉक्स को हम लोग क्रिएट करने हैं अपने ओपनिंग को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डाल देना है शाफ्ट ओपनिंग। तो शाफ्ट ओपनिंग पे क्लिक करना है, शाफ्ट ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ तक नहीं ड्रॉ करूँगा, यहाँ तक ड्रॉ करूँगा मैं इसे आगे तक इस तरह से, जिससे क्या होगा कि इधर का भी फ्लोर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो इसे रिमूव क्यों करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इस साइड के स्लैब को क्यों रिमूव करना है। अब यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। याद रखिए कि यहाँ पर फिनिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो आपके कोई भी ऑप्शन आप यूज नहीं कर पाएंगे। स्केप करने से यहाँ पर एग्जिट नहीं होगा, देखिए स्केप प्रेस कर रहा हूँ मैं, एग्जिट नहीं हो रहा है, फिनिश करने के बाद ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर 3D में जाते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है हमारे स्लैब में बाय यूजिंग शाफ्ट ओपनिंग। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो अपने कर्सर को लेके तो देखिए यहाँ पर एक शाफ्ट ओपनिंग है, ये शाफ्ट ओपनिंग से आप इस तरह से, तो ये शाफ्ट ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है रहने की वजह से हमारा प्लिंथ भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है। देख सकते हो प्लिंथ का मटेरियल भी यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो प्लिंथ का मटेरियल नहीं होना चाहिए रिमूव यहाँ पर, इसके लिए मैं क्या करता हूँ इस एरो का इस्तेमाल करके इसके हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ। देखिए ड्रैग करना है क्लिक करके, तो इसके हाइट को कम कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा प्लिंथ रिमूव नहीं होगा। अगर नीचे होगा तो यहाँ पर प्लिंथ भी रिमूव हो जाएगा, तो प्लिंथ को रिमूव नहीं करना है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, तो इसको आपको इस तरह से माउस पे इस तरह से घुमाना है, अगर आएगा तो क्लिक कर देना है। ये दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है। इसकी हाइट भी थोड़ा कम कर देते हैं और नीचे से भी इसे कम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ इस फ्लोर में यहाँ पर ओपनिंग करनी थी, इसलिए इस बॉक्स को मैंने छोटा कर दिया है। देखिए यहाँ पर ओपनिंग हो गया है, साथ ही साथ यहाँ का भी फ्लोर हमारा रिमूव हो चुका है। तो मैंने इस तरह से ओपनिंग कर दिया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके हेडरूम को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग हेडरूम को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैं जाता हूँ स्लैब फ्लोर पे। तो स्लैब फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वॉल। तो वॉल लेने के लिए शॉर्टकट है WA, अगर WA प्रेस करते हो तो आप वॉल का इस्तेमाल कर पाएंगे। WA प्रेस करना है, WA प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑटोमेटिकली हाइट कहाँ तक जाएगी, तो हाइट जाएगी हेडरूम तक। तो हेडरूम तक हमारी हाइट जानी चाहिए, यहाँ पर आप 4 इंच या फिर 9 इंच थिकनेस सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी पॉइंट चलेगा। तो मैं फिलहाल इंटीरियर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं वॉल्स को ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पर 4.5 इंच की वॉल और यहाँ पर भी 4.5 की ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो आप इस तरह से कुछ। और यहाँ पर मैं ट्रिम का इस्तेमाल करूँगा, TR प्रेस करेंगे और इन दोनों लाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिम हो गया है और हमारे वॉल्स यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अब मैं इसे अलाइन का इस्तेमाल करके अलाइन कर दूंगा, AL फॉर अलाइन, AL प्रेस करना है। या फिर यहाँ पर मॉडिफाई पे जाएंगे तो यहाँ पर भी अलाइन ऑप्शन है, AL फॉर अलाइन, अलाइन पे क्लिक करना है, इस लाइन पे क्लिक करना है
और इस लाइन पे क्लिक कर देना है। देखिए एक लाइन में हो गया, अलाइन से हम लोग किसी वॉल को एक लाइन में ला सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वॉल को क्लिक, कंट्रोल इस वॉल पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर जो 4.5 थिकनेस है उसे 9 इंच कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ड्रॉ करने के बाद भी अपने थिकनेस को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है वॉल, तो मैं फिर से अलाइन कर देता हूँ। ए एल फॉर अलाइन, पहले इस वॉल पे क्लिक करना है, उसके बाद इस वॉल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारी वॉल यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। अगर आप 3D में देखेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे हेडरूम के वॉल्स यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। उसी तरह से आपको इसका भी फ्लोर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा पैक करने के लिए। तो मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ हेडरूम लेवल पर। तो ऊपर का लेवल जो आप देख सकते हो हमने ड्रॉ किया था अपने एलिवेशन में, तो इस लेवल पे मुझे फ्लोर डालना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर हेडरूम के लेवल पे, तो हेडरूम पे जाएंगे। हेडरूम पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि नीचे का कोई भी प्लान हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम स्लैब को ड्रॉ यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके यहाँ पर प्लान नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अंडरले में जाना है। देख सकते हो यहाँ पर अंडरले में, यहाँ पर रेंज बेस लेवल यहाँ पर नन है, तो नन की जगह पर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है यहाँ पर आपको स्लैब फ्लोर। तो स्लैब फ्लोर अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके स्लैब यहाँ पर नजर आने लगेगा। तो इस तरह से अगर आपको प्लान नज़र नहीं आता है तो यहाँ पर आप जाके चेंज कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फ्लोर बनाते हैं। तो आर्किटेक्चरल टैब में जाके यहाँ पर हम लोग लेंगे फ्लोर, फ्लोर ऑप्शन। फ्लोर लेने के बाद यहाँ पर आप रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक क्लिक और इस पॉइंट पर एक क्लिक और यहाँ पर फिनिश कर देंगे। और यहाँ पर यस कर देना है आपको सिंपल। यस करने के बाद आप 3D में देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा फ्लोर भी ड्रॉ हो चुका है, जो कि हमारा हेडरूम के लेवल पे तैयार हुआ है। रेविट में सारा काम ये लेवल पे होता है। तो देखिए यहाँ पर ये लेवल जो है हेडरूम का लेवल है, तो लेवल से नीचे की तरफ हमारे फ्लोर की थिकनेस ऐड होती है। लेवल से नीचे की तरफ अगर मैं 3D में देखता हूँ तो कुछ इस तरह का हमें नज़र आ रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पर एक डोर फिट कर देता हूँ। डोर लेते हैं यहाँ पर 30x84 लेके यहाँ पर मैं एक डोर फिट कर देता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पर एक विंडो भी फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप 3D में देखेंगे इस इमेज को, तो यहाँ पर एक विंडो है, देख सकते हो। तो इस विंडो को भी हम लोग यहाँ पर फिट कर देंगे। तो फिट करने के लिए यहाँ पर विंडो पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ किसी भी विंडो को, आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर 34x36। इस तरह से मैं एक विंडो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एक विंडो लगा दिया है। अब करना क्या है कि इस गैप को हमें यहाँ पर रिमूव करना है। तो इस गैप को रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से मत रखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इस वॉल को डिलीट कर दीजिए। इस वॉल को डिलीट करने के बाद ये जो हमें नीचे की वॉल नज़र आ रही है, जो कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर नाम मेरा ग्राउंड फ्लोर रहना चाहिए था, तो ठीक है समझ लीजिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर आप नाम डाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर की जगह यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर डाल देता हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पर साइड पे क्लिक और यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर फ्लोर डबल बार आ गया है, तो यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। साइड पे क्लिक, यस, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर स्प्लिट ऑप्शन ले लेना है, मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्प्लिट ऑप्शन अवेलेबल है। इससे क्या कर सकते हो कि किसी भी लाइन या फिर किसी भी वॉल को आप कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करके स्प्लिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस पॉइंट से इस वॉल को कट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर एक कट मारना है। देखिए यहाँ पर ये जो वॉल है बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको वॉल को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर 3D में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये वॉल जो है अलग हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वॉल की हाइट यहां तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो करूंगा क्या कि इस वॉल को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहां पर आप देख सकते हो टॉप कंस्ट्रेंट, मतलब हमारे वॉल का टॉप। तो टॉप कंस्ट्रेंट यहां पर जो है अभी फिलहाल स्लैब फ्लोर तक है, तो इसे मैं हेडरूम लेवल तक ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं हेडरूम सिलेक्ट कर देता हूँ। तो हेडरूम यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया है। देखिए फिर भी हमारा वॉल यहाँ पर हेडरूम पर अटैच नहीं हुआ है। तो करना क्या है, यहाँ पर एक डिटैच ऑप्शन मिलेगा आपको, वॉल पे सिलेक्ट कर कीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर डिटैच ऑप्शन लीजिए। डिटैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस फ्लोर पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस फ्लोर से इसे डिटैच कर दोगे तब ये वॉल जो है इस फ्लोर को आके अटैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिटैच इस फ्लोर पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा वॉल जो है ऊपर की तरफ कनेक्ट हो चुका है। तो डिटैच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी एक ओपनिंग यहाँ पर आ गई है, तो इसे भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वॉल को इतना कट करूँगा और उसके बाद नीचे की वॉल यहाँ पर हम लोग अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाता हूँ, सॉरी स्लैब फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ पर स्प्लिट ले लेते हैं। SL शॉर्टकट है स्प्लिट के लिए, SL।
क्लिक करेंगे स्प्लिट पे और मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे एक कट लगा देता हूँ इस पे, और यहाँ पर इस वॉल को मैं रिमूव कर देता हूँ डिलीट करके। 3D पे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर रिमूव हो चुका है हमारा ये जो वो वॉल था, ये रिमूव कर दिया है। अब नीचे की वॉल को भी हम लोग ऊपर की तरफ अटैच कर देंगे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे ये जो हॉल वॉल हमारी नज़र आ रही है SL फॉर स्प्लिट SL, और यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ सेंटर से, और ये जो मैं 3D में देख सकता हूँ इसे, ये जो वॉल नज़र आ रही है इसे मैं ऊपर की तरफ अटैच कर देता हूँ। अटैच करने से पहले डिटैच कर लेंगे तो अच्छा होगा। इस वॉल पे क्लिक, डिटैच, और इस फ्लोर पे क्लिक, यहाँ पर डिटैच हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से इसके टॉप कंस्ट्रेंट को हेडरूम तक ले जा सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वॉल आप देख सकते हो कि ऊपर फ्लोर के ऊपर तक आ चुका है, तो ऐसा नहीं रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले वॉल्स को, और यहाँ पर अटैच ऑप्शन है, अटैच टॉप बेस, अटैच टॉप बेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने वॉल के टॉप को अपने फ्लोर पर अटैच कर देना है। तो देखिए हमने अपने वॉल के टॉप को अपने फ्लोर के बॉटम पे अटैच कर दिया है। तो इस तरह से आप अटैच कर सकते हो अपने वॉल्स को। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नज़र आ रहा है हमें, क्लियर। तो चलिए हमारा हेडरूम भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप चाहो तो आप यहाँ पर विंडोज़ लगा सकते हो, जैसा कि आप इस यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे कि बड़ा सा विंडो यहाँ पर है। तो चलिए इसे फिट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फिट करने के लिए यहाँ पर मैं विंडो पे जाऊँगा, विंडो पे जाने के बाद यहाँ पर मैं लोड फैमिली करता हूँ, और लोड फैमिली में यहाँ पर हम लोग विंडो ले लेंगे कुछ इस टाइप का। ये वाला विंडो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा हमारा जो विंडो का जो फैमिली है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एडिट टाइप करता हूँ इसकी साइज़ को चेंज करने के लिए, डुप्लीकेट करते हैं। तो इसकी साइज़ फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, 2 फीट बाय यहाँ पर रखने वाला हूँ, 2 फीट बाय 13 फीट। तो 2 फीट बाय 13 फीट मैं यहाँ पर इसकी हाइट रखने वाला हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पर इसके डायमेंशन को भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर डायमेंशन में जाते हैं, विड्थ को 2 फीट कर देते हैं और हाइट को यहाँ पर 13 फीट कर देते हैं, और ओके प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से आप लेकर यहाँ पर एक विंडो फिट कर सकते हो बड़ा सा। तो देखिए अब इस वॉल पे हम लोग इजीली एक विंडो फिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी फ्लोर आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने अपने फ्लोर को भी यहाँ पर रिमूव कर दिया है, और सिंगल वॉल रहने की वजह से इजीली यहाँ पर हमारा विंडो फिट हो चुका है। तो याद रखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको विंडो फिट करना है वहाँ पर डबल आपको वॉल नहीं रखना है। तो यहाँ पर एक वॉल रहने की वजह से इजीली विंडो फिट हो चुका है। इसी तरह से आप दूसरे टाइप के भी विंडो यहाँ पर फिट कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई भी विंडो, एक 60x48। यहाँ पर आप बीच में भी कोई भी विंडो फिट कर सकते हो इस तरह से। तो देखिए इजीली ये फिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर फ्लोर वगैरह होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो हमने यहाँ पर ये भी बना लिया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा पोर्च था उसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पोर्च भी है। तो पोर्च का फ्लोर जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर 7 फीट की हाइट पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो फ्लोर पोर्च है यहाँ पर 7 फीट की हाइट, हमारे फ्लोर लेवल पर नहीं है, नीचे की तरफ है। तो चलिए हम लोग इसके लिए भी एक यहाँ पर फ्लोर बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर स्लैब फ्लोर पे जाना है। स्लैब फ्लोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्लोर ले लेना है। फ्लोर लेने के बाद यहाँ पर 6 इंच वाला स्लैब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे तो अच्छा होगा। रेक्टेंगल ले लीजिए और आपको इस पॉइंट से लेकर इस तरह से कुछ इस तरह से आपको एक स्लैब को ड्रॉ कर लेना है। आप चाहो तो जो हाइट आपको लेंथ विड्थ चाहिए आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको विड्थ नज़र आएगा। यहाँ पर आप 13 डाल सकते हो, यहाँ पर आप 12 डाल सकते हो, या फिर इस वॉल लाइन पे क्लिक करके आप इस तरह से इसे ड्रैग कर सकते हो। ये सब मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है, जो कि यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो, ये सारे डायमेंशनिंग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 11, 10 कोई भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 डाल देता हूँ। तो 10 यहाँ पर हाइट डाल देंगे और यहाँ पर फिनिश कर देंगे, और यहाँ पर नो करना है फिलहाल, आपको नो कर दीजिए। और यहाँ पर 3D में देख सकते हो, तो हमारा एक पोर्च का स्लैब यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है, देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि इसे नीचे की तरफ यहाँ पर ऑफसेट करूँगा। तो इसको नीचे लेने के लिए आपको करना क्या है कि इस पर सिलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल, मतलब ये जो हमारा फ्लोर है उसे आपको अपने लेवल से ऑफसेट डालना है। अगर यहाँ पर आप 2 फीट डाल देते हो प्लस में तो ये ऊपर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा, देख सकते हो। अगर आप इसे माइनस डाल देते हो 2 फीट तो ये नीचे की तरफ ऑफसेट हो जाएगा 2 फीट। तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ऑफसेट हो चुका है। तो इस तरह से आपको ऑफसेट डाल देना है। तो हमारा यहाँ पर पोर्च भी रेडी हो चुका है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने पैरापेट वॉल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पैरापेट वॉल है यहाँ पर, जो कि हमारा स्लैब लेवल पर यहाँ पर आने वाली है। तो चलिए हम लोग पैरापेट वॉल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो स्लैब लेवल पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग वॉल ले लेते हैं। वॉल लेने के बाद यहाँ पर मैं 4.5 इंच ही सिलेक्ट करता हूँ, या फिर आप 6 इंच भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए 6 इंच ले लेते हैं।
6 इंच लेने के बाद आपको यहाँ पर हाइट जो है, तो पैरापेट के वॉल तो हाइट तो कम होती है, तो यहाँ पर हेडरूम तक हमें कोई भी वॉल ड्रॉ नहीं करनी है। यहाँ पर आपको फिलहाल अनकनेक्टेड रखना है और अनकनेक्टेड हाइट यहाँ पर 3 फीट यहाँ पर डाल देनी है। तो अनकनेक्टेड रहने की वजह से हम कोई भी अपने वॉल की हाइट कोई भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पर, कोई भी हाइट आप डाल सकते हो। अगर आप हेडरूम रखोगे तो हाइट जो है हेडरूम तक चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर अनकनेक्टेड रख देता हूँ। अनकनेक्टेड रखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं एक्सटीरियर ले लेता हूँ, फिलहाल एक्सटीरियर लेते हैं और यहाँ से एक्सटीरियर लाइन से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से लास्ट तक जाना है आपको और यहाँ पर इस पॉइंट पे और यहाँ पर क्लोज कर देना है और स्केप प्रेस करना है। अब 3D में देखिए यहाँ पर हमारा पैरापेट वॉल जो है ड्रॉ हो चुका है, आप देख सकते हो। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पोर्च के भी वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि पोर्च में भी यहाँ पर एक वॉल, पैरापेट वॉल अवेलेबल है। तो चलिए इस पोर्च के वॉल को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से स्लैब लेवल पे जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम लोग वॉल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 फीट की जगह मैं चेंज करने वाला हूँ 2 फीट 6 इंच, अब थोड़ी सी कम लेंगे 6 इंच और यहाँ पर फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे अपने वॉल को। यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे, कुछ इस पॉइंट पे और यहाँ पर इस पॉइंट पे स्केप कर देंगे और यहाँ पर 3D पे देखेंगे। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने पोर्च के वॉल को भी ड्रॉ कर लिया है, मगर ये जो है हमारा स्लैब फ्लोर पे यहाँ पर ड्रॉ हुआ है क्योंकि हमने स्लैब फ्लोर पे अपने वॉल्स को बनाया था। तो हमको अभी इसे भी ऑफसेट करना पड़ेगा। तो हम इन वॉल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले इन चारों वॉल्स को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे और इसका बेस का बेस को थोड़ा नीचे ले लेंगे। इसके बेस को नीचे लेने के यहाँ पर आपको मिलेगा बेस कंस्ट्रेंट और बेस ऑफसेट। तो हमारा जो बेस है फिलहाल स्लैब फ्लोर पे है। अब ऑफसेट डाल देता हूँ मैं आप इसे माइनस टू फीट अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको चेंजेस नजर आएंगे। देखिए हमारा जो वॉल है यहाँ पर नीचे की तरफ आ चुका है। इस तरह से आप अपने पोर्च के वॉल्स को भी ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे भी ड्रॉ कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर पैरापेट वॉल जो है इसमें कुछ ओपनिंग्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोग अपने पैरापेट वॉल में भी इजीली ओपनिंग कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे ओपनिंग? तो ओपनिंग करने के लिए आपको करना क्या है कि इस वॉल पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मैं। डबल क्लिक करने से आपको इसकी बाउंड्री यहाँ पर नज़र आएगी और बाउंड्री नज़र आने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई भी शेप लेते हो, कोई भी रेक्टेंगल लेते हो, इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो या फिर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हो और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करते हो, याद रखिए फिनिश पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है, स्केप करने से बाहर नहीं आएगा। देखिए मैं स्केप कर रहा हूँ, बाहर नहीं आएगा, फिनिश कर देते हैं। तो आप देख सकते हो फिनिश करने के बाद यहाँ पर ईजिली एक 2 ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। तो इसी तरह से हम लोग इस ओपनिंग को भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और ये रेक्टेंगल जो है डिलीट कर देता हूँ और इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू पे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू, तो हमें इसका फ्रंट व्यू नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल हो गया। इस तरह से कॉपी करेंगे, इस रेक्टेंगल को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल और कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देना है। मल्टीपल से क्या होगा कि आप एक से ज़्यादा कॉपी तैयार कर पाएंगे और कंस्ट्रेंट से क्या होगा कि आप हॉरिजॉन्टली कॉपी कर पाएंगे, कोई भी आपको एरर नहीं आएगी। तो मल्टीपल से मल्टीपल टाइम्स आप कॉपी कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आप 1 2 इस तरह से आप क्लिक करके रख पाएंगे, अपने रेक्टेंगल्स को कॉपी कर पाएंगे। मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल इसे। तो थोड़ा सा इसकी साइज़ को हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इस तरह से। नीचे से भी थोड़ा सा एरो के इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अंदाजे बनाना है, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी करेंगे, मल्टीपल और कंस्ट्रेंट पे क्लिक। अब क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इसे 1 फीट पर कॉपी कर लेता हूँ। अगेन 1 फीट पर कॉपी, अगेन यहाँ पर 1 फीट पर कॉपी और यहाँ पर फिर से 1 फीट पर कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर अगेन 1 फीट पर कॉपी कर लेंगे। इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो। आप चाहो तो सिलेक्ट करके फिर से यहाँ पर एरो से यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। तो लेफ्ट राइट एरो का इस्तेमाल कीजिए अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ओपनिंग्स क्रिएट हो गए हमारे वॉल्स में। इसी तरह की ओपनिंग्स आपको यहाँ पर भी कर लेनी है, देख सकते हो यहाँ पर भी है। तो इसके लिए आपको इस वॉल पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको राइट से देखना है इसे, राइट व्यू से। पैरेलल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ईजिली इसे क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एरो का इस्तेमाल करके इस तरह से और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे
और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से 1 फीट पे इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं अब इसे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फिनिश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी ओपनिंग्स क्रिएट हो गए हैं, दोनों वॉल्स में मैंने ओपनिंग कर लिए हैं। और देखते हैं कहीं पर ओपनिंग है क्या, तो यहाँ पर हमारे वॉल के ओपनिंग तैयार हो चुके हैं। चलिए नीचे की तरफ एक ग्राउंड सरफेस ऐड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर ग्राउंड है बहुत सारा इमेज में, तो इस ग्राउंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ग्राउंड लेवल पे जाऊँगा यहाँ पर, और ग्राउंड लेवल पे एक फ्लोर ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर फ्लोर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मासिंग का भी यूज़ दिखाया था, टोपो सरफेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं टोपो सरफेस का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक ग्राउंड ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर भी बना सकते हो, टोपो सरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो टोपो सरफेस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पॉइंट्स देने। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा ग्राउंड यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो ग्राउंड रेडी होने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर सेक्शन बॉक्स ले लेना है। देखिए यहाँ पर सेक्शन बॉक्स अवेलेबल है, इस पर चेक मार्क कीजिए, यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एरोज नजर आएंगे, इस एरो से आप इसे ऐसा इस तरह से कम ज़्यादा कर पाएंगे अपने एरिया को। तो इस कुछ इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पर आप इसे कर पाएंगे। और नीचे की तरफ भी कर दीजिए, थोड़ा एरो का इस्तेमाल करके नीचे की तरफ आप ग्राउंड दिखा सकते हो। इसे बाद में हम लोग इसमें ग्रास अप्लाई कर देंगे, ग्रास मटेरियल अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इस सेक्शन बॉक्स को हाइड कर देना है, सिलेक्ट राइट क्लिक और हाइड इन व्यू एलिमेंट। तो राइट क्लिक करना है, हाइड इन व्यू बाय एलिमेंट कर देना है यहाँ पर, तो हमारा सेक्शन बॉक्स यहाँ पर हाइड हो जाएगा। देखिए हमारा लगभग यहाँ पर हमारा प्लान रेडी हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो इसका कंपाउंड वॉल भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो कंपाउंड वॉल को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं ग्राउंड लेवल पे चला जाऊँगा और कंपाउंड के लिए यहाँ पर मैं वॉल ले लूँगा, और वॉल को यहाँ पर 9 इंच का लेंगे, कंपाउंड वॉल है तो 9 इंच। और यहाँ पर हाइट दे देंगे इसकी, अनकरेक्टेड हाइट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 4 फीट। तो 4 फीट हाइट ले लेंगे, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस तरह से लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से लाइन का इस्तेमाल करके आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर रेक्टेंगल भी ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप वॉल ले लीजिए, WA फॉर वॉल, और यहाँ पर रेक्टेंगल ले लीजिए, और यहाँ पर एक क्लिक और यहाँ पर एक क्लिक, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है इसे 5 फिट कर लीजिए, 5 फिट 5 फिट साइड में, इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपको एक गैप नजर आएगा, यहाँ पर भी आप 5 फिट कर लीजिए, और पीछे की तरफ भी आप यहाँ पर 5 फिट कर लीजिए, और आगे की तरफ आप ज़रा 10 फिट कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ पर 10 फिट या फिर कम भी रख सकते हो आप, यहाँ पर मैं 6 फिट रख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने सारे वॉल्स यहाँ पर ले लिए हैं, अब मैं 3D में देखता हूँ, तो हमारी कंपाउंड वॉल भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आपको यहाँ पर गेट के लिए यहाँ पर ओपनिंग तैयार करनी होगी, तो चलिए गेट के लिए ओपनिंग कैसे तैयार करते हैं उसे भी देखते हैं। तो गेट के लिए ओपनिंग तैयार करने के लिए ग्राउंड लेवल पे जाना है, स्प्लिट ले लेना है, स्प्लिट से कट कर सकते हैं, हमने पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई में यहाँ पर स्प्लिट ऑप्शन है, स्प्लिट लेने के बाद आप एक यहाँ पर एक स्प्लिट कीजिए, और यहाँ से एक 10 फिट पे आप एक स्प्लिट कीजिए, बीच के वॉल को आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप 3D में देख सकते हो अपने वॉल को। तो देखिए हमारा यहाँ पर वॉल रेडी हो चुका है, कंपाउंड वॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर डिज़ाइंस हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस हैं उसे ड्रॉ करना है। तो ये सब आप जनरली इसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर किसी भी डिज़ाइन के लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है हमें कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट में अगर आप मॉडल इन प्लेस में जा सकते हो, यहाँ पर आप मॉडल इन प्लेस में जाके आप कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो अपने बंगलों के लिए। आप इंटीरियर में फर्नीचर्स बना सकते हो, एक्सटीरियर में आप अपने वॉल वगैरह बना सकते हो, जैसे कि इस टाइप के डिज़ाइन प्लास्टर में ग्रूव्स वगैरह डाल सकते हो, इस तरह के रेलिंग्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी रेलिंग्स है इसे भी ऐड कर सकते हो, इस तरह के पाइपलाइंस और इस तरह के फ्लोर्स आप ऐड कर सकते हो, बीम्स। तो ये सब आपको कंपोनेंट्स में मॉडल इन प्लेस में जाकर मिलेगा। तो करना क्या है आपको, अब तो यहाँ पर आपको सेव कर लेना है सबसे पहले। अब सेव करने के बाद यहाँ पर आपको मॉडल इन प्लेस में चले जाइए। मॉडल इन प्लेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप क्या बनवाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि जो कुछ आप बनाना चाहते हो उसका। अगर आप कोई कॉलम बनाना चाहते हो तो कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप कोई डोर का डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो डोर सिलेक्ट कर लीजिए,
अगर आप कोई यहाँ पर फ्लोर बनाना चाहो या फिर फर्नीचर बनाना चाहो तो फर्नीचर सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं जो बनाने वाला हूँ वो है यहाँ पर वॉल्स बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर वॉल्स कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वॉल्स पे क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ अगेन, तो यहाँ पर नाम वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये थोड़ा सा फेंट में आपको नज़र आएगा और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, जिस तरह से ऑटोकैड में एक्सट्रूजन, प्रेस पुल, रिवॉल्व, ब्लेंड, स्वीप, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसी टाइप के यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो इसमें इसका इस्तेमाल करके आप अपने मॉडल को बना सकते हो, कोई भी शेप आपको चाहिए। एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एक्सट्रूजन, यहाँ पर एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके कोई भी डिज़ाइन आप अपने बंगलों में बना सकते हो। तो मैक्सिमम हम लोग इसी में एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं एक्सट्रूजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एक्सट्रूजन का इस्तेमाल कैसे करना है कि अगर आप यहाँ पर एक्सट्रूजन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ करने के लिए मिलेंगे, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, यहाँ पर आर्क वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको आप अगर यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप रेक्टेंगल बना सकते हो, अगर यहाँ पर सर्कल लेते हो तो यहाँ पर आप सर्कल बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्केच बना लिया है। अब अगर आप यहाँ पर फिनिश करते हो यहाँ पर, तो फिनिश करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए हमने ग्राउंड पे बनाया था आपने, तो ग्राउंड पे यहाँ पर बना है हमारा ये जो है वो जो है लेवल पे बना है। कौन से लेवल पे बना है, तो ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे ये एक्सट्रूजन आए हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्केच ने यहाँ पर एक हाइट ले ली है, सॉलिड में क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसकी हाइट भी इस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ इन एरो का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर नीचे की तरफ भी इसे इंक्रीज कर सकता हूँ। किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसका इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ पर इस सिलेंडर को भी चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सट्रूजन का इस्तेमाल होता है। डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका स्केच एडिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इसके अंदर अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और आप यहाँ पर फिनिश करते हो, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर सर्कल था वहाँ पर मटेरियल बिल्कुल भी नहीं आया है। तो इस तरह से होल्स आप अपने ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हो, डबल क्लिक करके कुछ एडिट कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करते हैं। हमें मगर यहाँ पर ग्राउंड पे कोई भी यहाँ पर एक्सट्रूजन नहीं करना है, हमें यहाँ पर ये जो स्लैब है हमारा पोर्च, यहाँ पर जो हमारा पैरापेट वॉल है वहाँ पर एक्सट्रूजन्स करने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हो। इसके लिए हमें इस पोर्च में एक्सट्रूजन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पैरापेट वॉल में एक्सट्रूजन करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग एक्सट्रूजन करने वाले हैं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस पैरापेट वॉल में एक्सट्रूजन करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सट्रूजन ले लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट वर्क प्लेन। तो वर्क प्लेन क्या होता है कि जिस प्लेन में आप अपने स्केच को बनाने वाले हैं उस प्लेन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल ये जो हमारा डिज़ाइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है येल शेप का, यहाँ पर जो येल शेप का डिज़ाइन है वो हमारा यहाँ पर टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो येल शेप नज़र आता है। तो टॉप व्यू से नज़र आता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेट पर क्लिक करेंगे। सेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिक प्लेन करना है, पिक अ प्लेन, ओके करना है, और आपको एक प्लेन सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ ये टॉप वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए बाउंड्री पे जाना है आपको सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको बाउंड्री पे जाके यहाँ पर इस प्लेन को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर शो करते हो तो आपको वर्क प्लेन नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्क प्लेन सेट हो गया है जिसमें हम लोग स्केच बना पाएंगे। तो अभी हमने जो वर्क प्लेन सेट किया है उसमें हम लोग स्केच बना सकते हैं। अगर आप नीचे कोई वर्क प्लेन सेट करते हो तो नीचे स्केच आएगा। अगर आप इस वॉल पर सेट करते हो जैसे कि सेट वर्क प्लेन, पिक प्लेन, ओके, और इस वॉल पे सेट करते हो, इस वॉल पे देखिए ये बड़े से वॉल पे यहाँ से करता हूँ, एक्यूरेट सिलेक्ट करना है आपको, कोई भी गलत प्लेन नहीं सिलेक्ट करना है, हाईलाइट होना चाहिए। अगर हाईलाइट वॉल नहीं हो रही है तो टैब प्रेस कीजिए, यहाँ पर जाके टैब, तो इस तरह से आप टैब दबा के भी प्लेन को स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये प्लेन जो है सेट नहीं हो रहा है, सॉरी ये जो स्केच है इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सेट करना है आपको, उसके सिवा आपको सेट नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस प्लेन पर, ये जो वर्टिकल प्लेन है उस पर सेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए उस स्पेस पे मैं स्केच को ड्रॉ कर पाऊँगा। तो जहाँ पर आप प्लेन सेट करेंगे वहाँ पर आप ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे कि आप पिक प्लेन, यहाँ पर सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, और यहाँ पर अगर इस प्लेन पे अगर आप लेते हो, इसे डिलीट कर दे सबसे पहले, यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, देखिए यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेट होने के बाद यहाँ पर आप स्केच कर पाएंगे और एक्सट्रूजन भी वहीं से आएगा। देखिए एक्सट्रूजन आ रहा है, तो उस फेस से आगे की तरफ ये एक्सट्रूजन हो गया है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर टॉप फेस सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रूजन के लिए, क्रिएट में एक्सट्रूजन, सेट, पिक, ओके, यहाँ पर बाउंड्री पे जाएंगे, ये टॉप वाला प्लेन सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको टॉप व्यू देखना है,
देखिए यहाँ पर हमें टॉप व्यू नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर लाइन लूँगा, यहाँ पर लाइन, और लाइन लेने के बाद यहाँ पर मैं स्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से उसी यहाँ पर आगे की तरफ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से यल शेप ड्रॉ करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा है, तो आप थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है अपने वॉल से ज़्यादा। अब लेने के बाद आप फिनिश कर दीजिए यहाँ पर यल शेप क्रिएट करने के बाद। अब यहाँ पर आप ऑर्बिट करके देखते हो तो यहाँ पर देखिए एक एक्सट्रूजन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप इस एरो का इस्तेमाल करके इसकी हाइट को यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे, या फिर आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो एक्सट्रूजन की हाइट। यहाँ पर 4 फीट की है, यहाँ पर आप 5 फीट कर सकते हो, यहाँ पर आप 6 फीट कर सकते हो, तो एक्सट्रूजन को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 4 फीट भी नहीं रखूँगा, यहाँ पर 3 फीट रख देते हैं, या फिर 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 फीट 3 इंच 3 स्पेस 3, तो 3 फीट 3 इंच यहाँ पर रख देते हैं, और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा इसे एक्सट्रूजन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रेफरेंस मिलेगा आपको, यहाँ पर यहाँ तक एक्सट्रूजन नहीं जाना है हमें, इस पॉइंट तक देखिए यहाँ पर रेफरेंस मिल रहा है हमें, तो रेफरेंस पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए हमारा यहाँ पर एक्सट्रूजन ड्रॉ हो चुका है यल शेप का। अब हम यहाँ पर इन रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये जो प्लास्टर किया हुआ है, इसके लिए आपको करना क्या है, फिर से एक्सट्रूजन पे जाना है। यहाँ पर याद रखिए एक्सट्रूजन के बाहर नहीं आना है, यहाँ पर आपको एक्सट्रूजन पे जाइए, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, और यहाँ पर आपको इस प्लेन पे जाना है। देखिए इस प्लेन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं। फ्रंट से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फ्रंट व्यू यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और इस तरह से आप पैरेलल देखेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये फर्स्ट हो गया हमारा, इसे कॉपी करेंगे, कॉपी क्लिक करेंगे, ये सेकंड है, और यहाँ पर ये थर्ड है। तो देख सकते हो यहाँ पर आप, मैंने ड्रॉ कर लिया है 3 रेक्टेंगल्स, और फिनिश करेंगे इसे। यहाँ पर बाहर की तरफ देखिए एक्सट्रूजन आ रहा है, आप चाहो तो इसे कम कर सकते हो। यहाँ पर एक कॉमन यहाँ पर मिलेगा एरो, इसका इस्तेमाल करके आप इसे एकदम छोटा कर दीजिए, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी डिस्टेंस डाल सकते हो, 1 इंच 1 इंच, यहाँ पर एंटर, देखिए 1 इंच का यहाँ पर एक्सट्रूजन आ चुका है। इसी तरह साइड्स में भी है, साइड में भी कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रूजन। फिर से लेता हूँ मैं यहाँ पर एक्सट्रूजन, सेट, पिक, ओके, और इस प्लेन को सेट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर राइट साइड से देखता हूँ इस व्यू को, रेक्टेंगल, राइट व्यू से देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर अब मैं इस रेक्टेंगल लेने के बाद कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉपी, क्लिक, सेकंड, और यहाँ पर थर्ड, फिनिश करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप 1 इंच डाल देंगे, 1 इंच, देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से दोनों साइड में आप इस तरह से एक्सट्रूजन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 बॉक्सेस यहाँ पर है, इसे भी एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके बना सकते हो आप। क्रिएट करेंगे एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके। अब मैं प्लेन सेट करूँगा, ये जो छोटी सी फेस आपको नज़र आ रही है इस पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट व्यू देखेंगे, यहाँ से आपको रेक्टेंगल ले लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट करूँगा बॉक्स टाइप में, देख सकते हो इस कुछ इस तरह से। इसे थोड़ी सी हाइट एरो से हम लोग कम कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पर मैं इसकी कॉपी तैयार करूँगा, क्लिक, यहाँ पर क्लिक क्लिक क्लिक, इस तरह से 3 क्लिक करके कॉपी करेंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से एक्सट्रूजन कर पाएंगे इसका, देख सकते हो यहाँ पर भी एक्सट्रूजन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एक्सट्रूजन यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर और भी एक्सट्रूजन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस विंडो में कुछ एक्सट्रूजन है। यहाँ पर यल शेप का एक एक्सट्रूजन है, ये वाला, चलिए इस यल शेप के एक्सट्रूजन को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक्सट्रूजन पे चले जाना है, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, और यहाँ पर इस प्लेन पर सेट कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फ्रंट पे जाएंगे अब। तो फ्रंट पे जाने के बाद लाइन ले लीजिए, यहाँ पर लाइन, लाइन लेने के बाद नीचे से मैं ड्रॉ करूँगा पूरी नीचे की तरफ से। तो इस तरह से मैं नीचे से ऊपर तक यहाँ पर यल शेप ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर, यहाँ से आपको यहाँ तक ले लेना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर यल शेप ड्रॉ हो चुका है, फिनिश। 3D में देखेंगे तो देख सकते हो आप यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। थोड़ा सा ये जो हमारा है ये पोर्शन अंदर भी है और बाहर भी है थोड़ा। मैं यहाँ पर एरोस के इस्तेमाल करके इसे थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ और थोड़ा सा बाहर रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पर एरो का इस्तेमाल करके हमने इसे अंदर डाल दिया है। तो ये यल शेप भी हमारा क्रिएट हो गया है। चलिए और एक्सट्रूजन्स देखते हैं।
यहाँ पर ये भी वाला बॉक्स हम लोग एक्सट्रूड कर लेते हैं, यहाँ पर इस बॉक्स को सेम प्लेन होगा यहाँ पर एक्सट्रूजन। इस बार प्लेन हम लोग सेट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही इस प्लेन पे यहाँ पर सेट है, तो हमें इसी प्लेन पे ड्रॉ करना है, इसलिए मुझे फिर से यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एक्सट्रूजन इस टाइप का ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आ चुका है फिनिश, देखेंगे 3D में ऐसा ऑर्बिट करके यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब इस पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इस एरो का इस्तेमाल करके इसे पीछे की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह का हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। चलिए इसके ऊपर का जो प्लास्टर है ये वाला पोर्शन बना लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से एक एक्सट्रूजन ले लेना है, सेट प्लेन पिक प्लेन ओके, यहाँ पर इसके ऊपर सेट कर देना है इस फेस पे। उसके बाद रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और एक रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल अंदाजे यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। याद रखिए एक्यूरेट दिखना चाहिए, फिनिश कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ आ चुका है, इसे हम लोग कम कर देते हैं। यहाँ पर एरो का इस्तेमाल करके ड्रैग करेंगे थोड़ा सा अंदर, देखिए यहाँ पर प्लास्टर क्रिएट हो गया है। अगर कम चाहिए तो यहाँ से भी डाल सकते हो आप, 1 इंच चाहिए मुझे, 1 इंच एंटर, और यहाँ पर 1 इंच पे यहाँ पर एक्सट्रूजन क्रिएट हो चुका है। इनको ड्रॉ करेंगे, ये जो अपने बार्स हैं इन्हें भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आप ले सकते हो एक्सट्रूजन, सेट नहीं करेंगे उसी प्लेन पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ फिलहाल। रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है छोटा सा। तो लाइन बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप स्केल को यहाँ पर कम कर सकते हो। तो स्केल को जितना कम करेंगे यहाँ पर स्केल को, तो उतना आपका डार्कनेस कम नज़र आएगी। तो इस तरह से आप इसको कॉपी तैयार कीजिए, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, क्लिक नीचे की तरफ 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप चाहो जितने यहाँ पर कॉपीज इसके बना सकते हो। मैं थोड़ा सा सबको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ एरो से, फिनिश करेंगे बाहर की तरफ। ये प्लेट की तरह निकल गया है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच कर देता हूँ, 2 इंच एंटर। तो देखिए इस तरह से आप कुछ डिज़ाइन रख सकते हो इसकी। तो यहाँ पर मैंने इसे भी क्रिएट कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों लाइंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला पट्टी और ये वाली पट्टी, तो इसे प्लास्टर से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक्सट्रूजन सेट प्लेन पिक प्लेन ओके, इस वॉल पे सेट करेंगे। देखिए इस वॉल पे फ्रंट प्लेन यहाँ पर जाएंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा और नीचे भी एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप 2 रेक्टेंगल क्रिएट कर दीजिए, फिनिश। और यहाँ पर आप इसे 1 इंच पे यहाँ पर आगे की तरफ प्रेस पुल कर सकते हो, सॉरी एक्सट्रूड कर सकते हो। देखिए इसी तरह से इन दोनों को ड्रॉ करना है, इन दोनों बॉक्सेस को। सेम प्रोसीजर है, एक्सट्रूजन रेक्टेंगल फ्रंट व्यू, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल बना लेना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, इस तरह से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर फिनिश कर लीजिए। तो फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पर भी आ चुका है। तो इस तरह से आपको एक्सट्रूजन करते जाना है, अपने जितने भी डिज़ाइन आपके इसमें हैं आपके प्लान में उतने एक्सट्रूजन आपको यहाँ पर करने हैं। आप चाहो तो 3D में भी इस तरह से एरो से मूव कर सकते हो उसे, अगर आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है तो इस तरह से आप एरो से मूवमेंट दे सकते हो। यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है, चलिए इन पाइपलाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सट्रूजन ले लेंगे, यहाँ पर एक्सट्रूजन, यहाँ पर सेट प्लेन पिक प्लेन ओके, और यहाँ पर इस प्लेन को सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर सर्कल लेंगे यहाँ पर, और सेकंड सर्कल यहाँ पर, इसे ट्रैक करेंगे थोड़ा सा। सर पाइपलाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा इसकी साइज़ को हम लोग रिड्यूस कर देंगे ओके, और यहाँ पर फिनिश। अब यहाँ पर मैं इसे इस तरह से हाइट इसकी इंक्रीज कर दूंगा, यहाँ पर देखिए रेफरेंस हमें मिलता है, यहाँ पर यहाँ तक कर देना है। देखिए हमारे 2 पाइपलाइंस भी यहाँ पर ड्रॉ हो गए हैं पाइप्स, तो इन्हें भी आप इस तरह से बना सकते हो। बाद में हम लोग इसे कलर मटेरियल करने वाले हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिज़ाइन यहाँ पर विंडो की डिज़ाइन को हम लोग बना लेते हैं। तो विंडो की डिज़ाइन को बनाने के लिए भी हम लोग इसी प्लेन को सेट करेंगे, यहाँ पर फ्रंट इस फेस को एक्सट्रूजन ले लेंगे, यहाँ पर सेट प्लेन पिक प्लेन ओके, और यहाँ पर इस प्लेन को सेट कर लेंगे फ्रंट पे। देखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेना है, उसके बाद रेक्टेंगल लेने के बाद करना क्या है कि यहाँ पर एक इस विंडो पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑफसेट दे देना है 4 इंच एंटर। ऑफसेट देने के बाद फिर से उसी तरह से ड्रॉ करना है, मगर देखिए उसी तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये ऑफसेट आएगा 4 इंच, स्पेस करके आप ऑफसेट को चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज। तो यहाँ पर ऑफसेट डालने की वजह से ये ऑफसेट आ रहा है,
देखिए यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर जो ये जो लाइन्स हैं इसे ड्रैग करके नीचे तक ले सकते हो। सॉरी, इस एक लाइन को मैं नीचे तक ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्केल यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए अपने लाइन्स को। और यहाँ पर इससे हम लोग इन यहाँ पर यहाँ तक ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, फिनिश कर देना है। तो ये आगे की तरफ यहाँ पर देख सकते हो एक फिट में ये एक्सट्रूड हुआ है। मुझे भी एक फिट ही चाहिए था, तो एक फिट में यहाँ पर एक्सट्रूड हो गया है बाहर की तरफ। उसके बाद हम लोग इससे बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसे बनाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन। ओके, प्लेन सेट करूँगा मैं ऊपर का। यहाँ पर ये ऊपर का प्लेन सेट करने के बाद यहाँ पर ले लेंगे रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्केल कम कर देंगे जिसकी वजह से थोड़ा डार्कनेस कम हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेक्टेंगल लेने को ऑफसेट ले लेंगे एक इंच, वन इंच ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पर फिर से उसी रेक्टेंगल के ऊपर एक बनाएंगे रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल और आ गया है, फिनिश कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल बन चुका है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा रेक्टेंगल। तो इस तरह से हम लोग पट्टी बना सकते हैं, ये साइड में सिर्फ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ये जो एक्सट्रूजन है उसे फ्रंट पे जाएंगे। यहाँ पर फ्रंट व्यू से बनाना अच्छा होगा। यहाँ पर लेता हूँ मैं एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन। ओके, इस प्लेन को सेट करूँगा इसके लिए, इस प्लेन पे क्लिक। यहाँ पर सर्कल ले लेंगे मिड पे, बिल्कुल मिड पे एक सर्कल बनाएंगे। लाइन लेंगे यहाँ पर हाफ़ में, इसे डिवाइड कर देंगे लाइन के ज़रिए। ट्रिम लेंगे, TR फॉर ट्रिम, या फिर यहाँ पर भी ट्रिम एक्सटेंड अवेलेबल है ऑप्शन। TR शॉर्टकट है, TR। और यहाँ पर इन दोनों पे क्लिक और इन दोनों पे क्लिक, फिर से ये इस तरह से हाफ हो जाएगा, फिनिश कर देंगे। ये ज़्यादा बाहर की तरफ आ गया है तो इसे मैं हाफ इंच कर देता हूँ, बिल्कुल 0.5 inches। एंटर, देख सकते हो 0.5 inches आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है, देखिए इस सर्कल को भी। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सी ये ब्लैक लाइंस ज़रा डार्क लग रहे हैं तो आप यहाँ पर स्केल कम करके इनकी डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए स्केल अगर कम करते हो तो ये डार्कनेस थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ये पोर्शन है इसे भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करेंगे। प्लेन को उसी प्लेन पर रहने देंगे, ये जो यहाँ पर सेट था। तो मैं यहाँ पर जूम करके यहाँ पर इस रेक्टेंगल को ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप में सेंटर पे ले लेता हूँ, फिनिश। आगे की तरफ आ गया है यहाँ पर एक्सट्रूजन हमारा, पीछे की तरफ लेंगे, लास्ट में यहाँ पर अटैच कर देंगे। और इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसे हम लोग थोड़ा सा कट करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एंगुलर पोर्शन है, तो एंगल में लेने के लिए इसको करना क्या है कि थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रिमूव करना होगा हमें। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्रिएट में वाइड एक्सट्रूजन्स हैं। वाइड एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो मटेरियल को। तो वाइड एक्सट्रूजन पे क्लिक करना है, सेट प्लेन, पिक प्लेन। ओके, और इस प्लेन को सेट कर लेना है साइड के, इस प्लेन को। अब लाइन लेकर इस पॉइंट से यहाँ तक और यहाँ तक एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेना है। जितना मटेरियल आपको रिमूव करना है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, फिनिश करना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक एक्सट्रूजन आएगा यहाँ पर वॉइड के लिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वॉइड हो चुका है। इस तरह से आप इस वॉइड एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके अपने मटेरियल को रिमूव कर पाएंगे कहीं भी। तो यहाँ पर भी मैंने कर लिया है अपने एक्सट्रूजन को रिमूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक पट्टी अवेलेबल है यहाँ पर। तो इस वाइट पट्टी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल है तो यहाँ पर भी बनाते हैं। चलिए फास्टली मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन। ओके, इसके ऊपर सेट करेंगे सबसे पहले, इसके ऊपर लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फाइव पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट। और यहाँ पर वन इंच लेंगे, वन इंच। और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा बाहर की तरफ, देख सकते हो यहाँ पर बाहर की तरफ ड्रॉ हो रहा है। तो वन इंच के गैप पे ड्रॉ होगा ऑफसेट रखने की वजह से। तो इस तरह से, तो कुछ इस तरह से क्लोज कर देंगे, फिनिश करेंगे यहाँ पर। देख सकते हो यहाँ पर एक्सट्रूजन आ रहा है, तो इसे ऊपर की तरफ नहीं, मैं नीचे की तरफ लूँगा इसका। तो देखिए यहाँ पर भी एक पट्टी ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको इस यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेना है इसमें। तो यहाँ पर भी मैं सेट प्लेन कर लेता हूँ, पिक प्लेन। ओके,
यहाँ पर सेट करेंगे इसके ऊपर, देखिए छोटा सा फेस आपको नज़र आ रहा होगा वॉल का ऊपर का फेस, क्लिक कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लाइन ले लेंगे। और पहले तो आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट ऑफसेट ले सकते हो, डबल डबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 इंच ऑफसेट लीजिए यहाँ पर और डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं ड्रॉ करता हूँ, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ इसे रखेंगे, बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉर्नर्स पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, इस तरह से। तो सिर्फ कॉर्नर्स पे यहाँ पर क्लिक करके आप इन्हें ड्रॉ कर पाएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है तो इसे बाउंड्री क्लोज करना है, ट्रिम कर देंगे क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज नहीं रहेगा तो ये एक्सट्रूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से क्लोज करना है अपने बाउंड्री को और फिनिश कर देना है। तो यहाँ पर फिनिश हो गया, यहाँ पर आप इसकी हाइट को कम कर सकते हो, यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं पीछे वॉल्स, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके ओके। यहाँ पर इस प्लेन को सेट करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर दो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट रेक्टेंगल यहाँ पर, इसे कॉपी करेंगे थोड़ा सा, कॉपी क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक और फिनिश कर देंगे, ये बाहर की तरफ आ गया। अब यहाँ पर मैं अंदर की तरफ ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर भी आप दो एक्सट्रूजन्स बना सकते हो। यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, सॉरी पिक प्लेन करेंगे फिर से, यहाँ पर पिक प्लेन, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर भी दो एक्सट्रूजन्स बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर रेक्टेंगल एक, और यहाँ पर कॉपी करेंगे इसी को, सिलेक्ट, कॉपी, क्लिक, और यहाँ पर बाजू में क्लिक, और यहाँ पर फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ, और इसकी भी थोड़ी सी थिकनेस हम लोग कम कर लेंगे। इस तरह से आप दोनों एक्सट्रूजन्स बना सकते हो दोनों तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम लोगों का ऊपर का जो एक्सट्रूजन्स था वो बन गया है लगभग, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हेडरूम का बाकी है, ये छज्जा, और यहाँ पर हेडरूम का ये जो पोर्शन है उसको हम लोग को ड्रॉ करना है। तो चलिए उसे भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर विंडो थोड़ा सा ऊपर आ गया है ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर फिनिश कर लेता हूँ। सबसे पहले बाहर आ जाता हूँ, एक्सट्रूजन से यहाँ पर बाहर आ गया, इस विंडो को थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं एरो का इस्तेमाल करके इसे नीचे कर लेता हूँ, तो ये दोनों को एक ही लेवल में ला देते हैं। यहाँ पर ये आ गया दोनों एक लेवल में। अब मैं इस एक्सट्रूजन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिर से एडिट इन प्लेस करूँगा। तो एक्सट्रूजन पे सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कंपोनेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट कीजिए एक्सट्रूजन को और यहाँ पर एडिट इन प्लेस कर लीजिए। तो देखिए फिर से हमें एक्सट्रूजन के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अब फिर से एक्सट्रूजन करते हैं, एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके। इस प्लेन को सेट कर लेंगे यहाँ पर, देख सकते हो इस प्लेन को। अब फ्रंट व्यू से देखेंगे इसे तो आपको इस तरह का फ्रंट व्यू नज़र आएगा, लाइन, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से इस तरह, और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद फिनिश कर देंगे। आपको अगर लाइन नज़र नहीं आ रही है तो मैं अब थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का मैंने ड्रॉ किया है एल शेप, फिनिश। देखिए यहाँ पर एक्सट्रूजन आ चुका है, इसे हम लोग थोड़ा सा थिकनेस कम कर देंगे, 1 इंच कर देंगे यहाँ पर, 1 इंच थोड़ा सा प्लास्टर हमें अवेलेबल करना है। अब इसी फेस पे हम लोग यहाँ पर ये छज्जा भी ड्रॉ करेंगे। चलिए इस छज्जे को ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सेम यहाँ पर एक्सट्रूजन, ज़्यादातर काम एक्सट्रूजन से ही हो जाता है हमारा। पिक लाइन, पिक प्लेन, ओके, सेट कर दिया मैंने। लाइन ले लेंगे यहाँ से स्ट्रेट ऊपर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर एल शेप भी क्रिएट हो गया है, फिनिश कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर छज्जा भी ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऊपर का सारा एक्सट्रूजन कर लिया है। चलिए अब हमारा बाकी जो रह गया है वो है यहाँ पर गेट का पोर्शन, मतलब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कंपाउंड वॉल नज़र आ रही है वो पोर्शन हमें यहाँ पर बनाना है। तो चलिए इसके तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिनिश कर लेता हूँ, अब मॉडलिंग से यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ के एक्सट्रूजन को नए ग्रुप में करूँगा, नए ग्रुप में ड्रॉ करूँगा। तो नए ग्रुप में करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर नया मॉडल इन प्लेस लेना पड़ेगा। तो एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे यहाँ पर मॉडल इन प्लेस का, इस गेट को बनाने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें बेसिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि जो वॉल है उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर,
जो वॉल है इसकी वाइड हाइट जनरल से थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो हम लोग इस वॉल को क्या करेंगे, देखिए मैं सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे चला जाता हूँ और यहाँ पर स्प्लिट ले लेता हूँ। स्प्लिट से यहाँ पर देखिए स्प्लिट ऑप्शन मॉडिफाई में अवेलेबल है, मॉडिफाई स्प्लिट। अब मैं यहाँ पर इस वॉल को स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक स्प्लिट अप्लाई कर देता हूँ। देखिए दोनों तरफ मैंने स्प्लिट कर दिया है, 3D में देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्प्लिट हो गया है। इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे, इसकी हाइट जो है 4 फीट है फिलहाल, मैं इसकी हाइट 5 फीट कर देता हूँ। 5 फीट देखिए थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर हाइट। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसका जो हाइट है अनकनेक्टेड हाइट यहाँ पर चेंज कर देनी है। यहाँ पर चेंज होने के बाद इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर राउंड नज़र आ रहा होगा, एक राउंड। तो इस राउंड को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने वॉल का इस्तेमाल करके। तो इस वॉल पे आपको डबल क्लिक करना है सबसे पहले, डबल क्लिक। तो देखिए यहाँ पर बाउंड्री यहाँ पर आ गई है हमारे, तो फ्रंट व्यू से देखेंगे और इस बाउंड्री को राउंड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आर्क मिलेगा, तो आर्क पे क्लिक करेंगे। आर्क पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट क्लिक यहाँ पर इस पॉइंट पे, सेकंड क्लिक इस पॉइंट पे और थर्ड यहाँ पर इस तरह से आप कर्वेचर क्लिक कर सकते हो, इस लाइन को डिलीट कर देना है। तो हमने बाउंड्री के यहाँ पर शेप को चेंज कर दिया है। फिनिश करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा राउंड क्रिएट हो चुका है। तो इस हो गया है हमारा नेक्स्ट। अब बाकी का पोर्शन हम लोग वॉल और एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो ये जो पोर्शन है सारा, ये गेट का पोर्शन, ये सारा हम लोग एक्सट्रूजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर मॉडल इन प्लेस पे जाते हैं, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस एक्सट्रूजन को बनाने के लिए। याद रखिए मॉडल इन प्लेस में, यहाँ पर मॉडल इन प्लेस में जाएंगे, फिर से यहाँ पर वॉल ले लेंगे हम लोग। तो W फॉर वॉल, W क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर वॉल के एक्सट्रूजन चलिए करते हैं। वॉल के एक्सट्रूजन के लिए सबसे पहले मैं एक्सट्रूजन करूँगा वो है यहाँ पर ये जो यल शेप नज़र आ रहा है, इस यल शेप को हम लोग एक्सट्रूजन कर लेते हैं। सेट प्लेन यहाँ पर सेट करेंगे, पिक प्लेन, ओके। पिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्लेन को सेट कर लेना है आपको बाउंड्री से। बाउंड्री पे क्लिक करना है, याद रखिए बीच पे क्लिक नहीं होगा, बाउंड्री पे क्लिक और यहाँ पर फ्रंट व्यू से देख सकते हो। आप पैरेलली फ्रंट व्यू से देखेंगे तब आपको एक्सट्रूजन करने में यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सट्रूजन लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। क्लिक करेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे लास्ट तक। उसके बाद यहाँ पर थिकनेस दे देंगे थोड़ी सी और यहाँ पर यहाँ से नीचे की तरफ, और इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा रखते हो एरो से तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनिश कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला एक्सट्रूजन कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसे पीछे की तरफ भी एक्सट्रूजन ले लेता हूँ इसका, पीछे की तरफ हम लोग ले लेंगे इसके एक्सट्रूजन को, कुछ यहाँ तक रेफरेंस मिल रहा है हमें, और आगे की तरफ थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखिए मैंने ये डिज़ाइन अवेलेबल कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दो यहाँ पर सपोर्ट्स नज़र आ रहे होंगे इस RCC ब्लॉक के लिए, दो सपोर्ट्स बनाते हैं, सेम प्लेन होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रूजन लूँगा यहाँ पर। और एक्सट्रूजन लेने के बाद फ्रंट व्यू रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक फर्स्ट कॉपी करेंगे इसको, कॉपी क्लिक और यहाँ पर एक इस तरह से फिनिश करेंगे इसे, और यहाँ पर 3D में देख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा कि पीछे की तरफ आप ले जाइए इसको भी यहाँ पर इस तरह से। देखिए हमारा यहाँ पर सपोर्ट भी रेडी हो चुका है, एरो से आप आगे की तरफ भी इसे बढ़ा सकते हो कीबोर्ड से एरो का इस्तेमाल करके। अब चलिए बीच का पोर्शन हम लोग बना लेते हैं, ये वाला। तो ये बॉक्स बनाते हैं हम लोग, उसके आगे ये ये सब तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले बॉक्स बना लेता हूँ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फ्रंट व्यू से देखेंगे इसे, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू लेने के बाद यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे बीच में बिल्कुल, तो इस तरह से कुछ सेंटर पे ले लेंगे। फिनिश करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बॉक्स आ चुका है। इसकी क्लिक करके मैं इसे पीछे की तरफ एक्सट्रूजन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी इस तरह से थोड़ा कम कर देता हूँ। ये बॉक्स आ गया है, चलिए इसके ऊपर का ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है वो वाला बनाते हैं। तो इस पट्टी को थोड़ा सा मैं इसे नीचे की तरफ ले लेता हूँ, हाइट कम कर देते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। चलिए अब वो पट्टी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके। यहाँ पर मैं ऊपर की साइड की ये प्लेन सेट करूँगा, लाइन लेंगे, ऑफसेट दे देंगे 1 इंच, एंटर। उसके बाद इस लाइन को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर स्पेस बाहर की तरफ पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करना है आपको, कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट मिलना चाहिए आपको, कॉर्नर टू कॉर्नर क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे।
देखिए यहाँ पर एक्सट्रूजन आ गया है, यहाँ पर एक्सट्रूजन ले लेंगे इसको, यहाँ पर भी हो चुका है हमारा काम। अगेन एक्सट्रूजन, यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल लेंगे, प्लेन तो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, पिक प्लेन, ओके, यहाँ पर इस प्लेन पे सेट कर लेंगे, सर्कल लेंगे, मिड पे एक सर्कल बनाएंगे, लाइन लेंगे, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, ट्रिम ले लेंगे, टी आर फॉर ट्रिम, टी आर, इन दोनों पे क्लिक और इन दोनों पे क्लिक, फिनिश कर देंगे। और इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें हाफ इंच चाहिए, यहाँ पर मैं हाफ इंच कर देता हूँ, 0.5 इंचेस, एंटर। देखिए यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर क्लियर देखने के लिए आप स्केल को कम कर सकते हो, क्लियरली आपको नज़र आएगा, स्केल को कम करना है आपको, यहाँ पर जितना कम करेंगे उतना क्लियर नज़र आएगा आपको, कम कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये वाला भी यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, सपोर्ट के लिए है इसके। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अगेन रेक्टेंगल एक्सट्रूजन, प्लेन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टेंगल बना लीजिए यहाँ तक, और सिलेक्ट करके इस तरह से फिनिश। अब यहाँ पर हम लोग पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से हम लोग, अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वॉइड एक्सट्रूजन, वॉइड एक्सट्रूजन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, वॉइड एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, इस साइड का प्लेन सेट करेंगे, यहाँ पर लाइन लेके इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह से फिनिश कर देंगे। यहाँ पर जो ये मटेरियल होगा ट्रायंगल शेप वो रिमूव हो जाएगा। तो हमने मॉडलिंग तो लगभग यहाँ पर हमारा ख़त्म होने को आया है, लास्ट यहाँ पर अब हमें गेट को ड्रॉ करना है। गेट के लिए यहाँ पर दोनों साइड में पिलर्स हैं यहाँ पर, तो इन प्लेयर्स को सबसे पहले हम लोग एक्सट्रूजन कर लेते हैं। तो चलिए इन दोनों प्लेयर्स को एक्सट्रूजन करने के लिए यहाँ पर एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके ओके करेंगे। ये ग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये जो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, या फिर आप यहाँ पर कोई भी नीचे का सरफेस भी ले सकते हो, ग्राउंड तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ग्राउंड सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, सेट प्लेन लेने के बाद यहाँ पर आप ये ग्राउंड लेवल को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर इस तरह से लेवल बाय लेवल भी आप कर सकते हो, लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्राउंड लेवल में मुझे ड्रॉ करना है, ओके। अब मैं यहाँ पर टॉप पे जाऊँगा, टॉप व्यू, यहाँ से टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल्स तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसे थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पर एक और कॉपी करेंगे इसका, कॉपी इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर, तो देख सकते हो मैंने इसे कॉपी कर लिया है, ज़्यादा थोड़ा अंदर कर देते हैं इसे, ज़्यादा बाहर नहीं, सिलेक्ट करके अंदर की तरफ फिनिश। फिनिश करने के बाद 3D में देखते हैं इसे, 3D में यहाँ पर देख सकते हो एक्सट्रूजन हो रहा है, तो इसकी हाइट थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा पिलर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा साइज़ में इनकी कम कर देता हूँ, तो थोड़ा सा कम कर दिया मैंने साइज़ इनकी, तो इसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट, कॉपी, क्लिक और यहाँ पर रख देते हैं, फिनिश। देखिए यहाँ पर हमने छोटा प्लेयर यहाँ पर अवेलेबल कर दिया है, अब चाहो तो इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हो अगर आप चाहो। यहाँ पर चलिए अब इसमें हम लोग गेट को ड्रॉ करते हैं। गेट को ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गेट है और यहाँ पर पैनल्स भी अवेलेबल हैं। चलिए एक गेट बनाते हैं। गेट बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, इस प्लेन को सेट कर लेना है, देखिए इस प्लेन पे, इस प्लेन को सेट करने का फ्रंट पे जाना है, रेक्टेंगल लेना है। अगर आप गलत प्लेन सेट करते हो तो आपको ड्रॉ करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लेन सही सिलेक्ट कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ अपने गेट के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्केल कम कर देंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा डार्कनेस यहाँ पर कम हो जाएगी, ज़्यादा डार्क कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देता हूँ 2 इंच ऑफसेट, 2 इंच, एंटर। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्पेस, इस तरह से फिनिश। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा गेट ड्रा हो गया है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बीच में गेट लगाना है हमें, तो इसको जो है इस एरो का इस्तेमाल करके हम लोग अंदर की तरफ कर देंगे इसे, और यहाँ पर भी इसे कम कर देंगे, तो इन दोनों एरोज़ का इस्तेमाल करके हम लोग इसके एक्सट्रूजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर एरोज़ नज़र आते हैं, उन दोनों उनको नहीं छेड़ना है, उनसे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, इन दोनों को आपको चेंज करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा गेट का फ्रेम तो रेडी हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पैनल जो है इन्हें बनाएंगे। तो इन पैनल्स को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर
थोड़ा स्केल को कम कर देंगे, 1/8 3/16 कर लेंगे, यहाँ पर और थोड़ा कम कर देंगे 1/2, ठीक है। ये तो करना क्या है कि यहाँ पर आपको ले लेना है एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन लेने के बाद सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, इस प्लेन को सेट कर लेना है। ये छोटा सा आपको नज़र आएगा, ये गेट का जो है पाइप, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपको रेक्टेंगल लेना है यहाँ पर, और एक छोटा सा रेक्टेंगल इस तरह का आपको ड्रॉ कर लेना है। देखिए एक पैनल मैंने ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसे, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, और ऊपर की तरफ एरो की तरफ, एरो से आप कर सकते हो, इसी तरह से कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट कॉपी क्लिक करेंगे और इसे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर अंदाजे क्लिक कर लेना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है, अंदाजे इस तरह से कॉपी कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए यहाँ पर। अब फिनिश करने के बाद आप इसे यहाँ पर इस पॉइंट तक ले जा सकते हो, देखिए ये आ गए। तो आप देख सकते हो हमारा गेट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके। तो ज़्यादातर काम हमारा एक्सट्रूजन में ही होता है यहाँ पर। लास्ट अब हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं वो है ये जो पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन पाइप्स को, इसको भी हम लोग एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सिंपल आपको क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, यहाँ पर आपको सेट कर देना है। सर्कल लेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसे कॉपी करेंगे, सिलेक्ट कॉपी क्लिक, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर थर्ड, फिनिश। तो देखिए यहाँ पर पाइप्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक्सट्रूजन, यहाँ पर भी एक्सट्रूजन, इस तरह से आप पाइप्स बना सकते हो। यहाँ पर भी कुछ पाइप्स हैं तो यहाँ पर भी मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी छोटे छोटे पाइप्स हैं, तो इसे हम लोग बना लेंगे। इसको बनाने के लिए आपको प्लेन थोड़ा सा यहाँ पर सेट करते वक्त तो अंदर सेट करना पड़ेगा, इस प्लेन पे, ये छोटा सा जो सरफेस नज़र आ रहा है उस पे। अब यहाँ पर मैं सर्कल ले लेता हूँ, फर्स्ट सर्कल यहाँ पर, अब मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी, यहाँ पर थोड़े गैप पे, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं, फिनिश करेंगे, और यहाँ पर मैं लास्ट तक ले लेता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर भी पाइप्स ड्रॉ कर सकते हो। हमारा एक्सट्रूजन प्रोसीजर यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं, कोई और तो बाकी नहीं है यहाँ पर, तो नहीं, यहाँ पर हमने सारे एक्सट्रूजन कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, सेव प्रोजेक्ट कर देता हूँ, सेव हो जाएगा। तो रिमाइंडर, ये बहुत ही काम की चीज़ है, रिमाइंड करेगा आपको। तो यहाँ पर लगभग हमने एक्सट्रूजन कर दिया है, अब बाकी जो बचा है यहाँ पर रोड का पोर्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पर बना सकते हो, अगर आप चाहो तो फुटपाथ वगैरह भी बना सकते हो। चलिए बनाते हैं यहाँ पर फुटपाथ एक। तो यहाँ पर मैं फिर से एक एक्सट्रूजन ले लेता हूँ, मॉडल इन प्लेस, यहाँ पर ले लेते हैं वॉल और ओके, ओके, एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन में सेट जो पे प्लेन करेंगे वो ग्राउंड को सेलेक्ट करना है आपको, ग्राउंड लेवल को सेट करना है, ओके। अब यहाँ पर मैं टॉप से देखूँगा, इसे लाइन ले लेंगे, लाइन लेने के बाद आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, देखिए इस तरह से फुटपाथ को बना सकते हो, यहाँ पर इस तरह से, पूरा नहीं बनाना है आपको, आप चाहो तो पूरा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, यहाँ तक ही बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ लाइन इस तरह से, यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है, साथ ही साथ यहाँ पर भी बना लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पर, तो इस तरह से आप फुटपाथ यहाँ पर बना सकते हो। अगर आपको ये कॉर्नर्स को राउंड करना है, जैसा कि इस वीडियो में हमें नज़र आ रहा है, सॉरी इस फोटो में नज़र आ रहा है, तो राउंड करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, फिलेट ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो, फिलेट आर्क क्लिक करना है, इन दोनों लाइन पर क्लिक कीजिए और इस तरह से आप इसे राउंड कर सकते हो अपने कर्सर को आगे पीछे करके। यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक और यहाँ पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, यहाँ पर एक राउंड क्रिएट करेंगे और फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, यहाँ पर भी एक राउंड। इस तरह से आप अपने फुटपाथ को यहाँ पर राउंड कर पाएंगे अगर आपको राउंड चाहिए। फिनिश कर देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर वार्निंग आ रही है, यहाँ पर ऑरेंज कलर का दिखाएगा जहाँ पर आपका एरर होगा, तो यहाँ पर एरर है, यहाँ पर क्लोज नहीं किया हमने, तो यहाँ पर क्लोज कर लीजिए इस तरह से और फिनिश कर दीजिए। और एक कोई तो एरर है, यहाँ पर भी एरर है, देखिए यहाँ पर भी आपको आएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर फिनिश कर सकते हो, और यहाँ पर 3D में देख सकते हो, 3D में देखिए ये ज़्यादा ऊपर की तरफ आ गया एक्सट्रूजन, तो मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ इसके एक्सट्रूजन को, यहाँ पर मैं लेता हूँ 4 इंच, यहाँ पर एंटर, देखिए 4 इंच का यहाँ पर एक्सट्रूजन आ चुका है।
आप चाहो तो अंदर की तरफ एक एक्सट्रूजन कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर एक और एक्सट्रूजन कर लेता हूँ। एक्सट्रूजन यहाँ पर पिक लाइंस का इस्तेमाल करूँगा इस बार मैं। पिक लाइंस से फ़ायदा क्या होगा, देखिए पिक लाइंस लेने के बाद आप इस 3D लाइन को क्लिक कर सकते हो, 3D आर्क को, इन 3D लाइंस को क्लिक करके आप स्केच को बना सकते हो। आपको यहाँ पर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं ट्रिम कर लेता हूँ, TR फॉर ट्रिम, इस तरह से, और यहाँ पर इतना ही एक्सट्रूजन बनाना है। इसी तरह से पिक लाइंस, इन लाइंस को क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर ट्रिम करेंगे, यहाँ पर TR। ये दो तरह के एक्सट्रूजन्स हमने कर लिए हैं। तो ये जो एक्सट्रूजन है इसे एकदम कम रखेंगे, 0.1 इंच रखेंगे हम लोग, 0.1 इंच। यहाँ पर एज ए टाइल्स हम लोग इसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग रोड भी बना लेते हैं। यहाँ पर रोड बनाने के लिए मैं यहाँ पर फिर से ग्राउंड लेवल पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर रोड के लिए भी एक्सट्रूजन ले लेंगे। पिक लाइंस का इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा पिक लाइंस, 1, 2 यहाँ पर इस तरह से, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर लाइन लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से रोड बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से यहाँ पर रोड बना रहा हूँ। यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और इसको भी यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, ट्रिम करेंगे, TR यहाँ पर ट्रिम कर देंगे, ये रोड नज़र आ रहा है, फिनिश कर देंगे। 3D में देखेंगे ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रूजन हो गया है, तो इसे हम लोग फिर से 0.1 कर देंगे, 0.1 इंचेस। ओके, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक्सट्रूजन आ गया है एकदम रोड के लिए। तो यहाँ पर हमने रोड भी क्रिएट कर लिया है। आप चाहो तो अंदर की तरफ भी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर टाइल्स बिठाने के लिए भी एक्सट्रूजन्स कर सकते हो। यहाँ पर फिनिश कर देना है आपको। तो हमारा मॉडल तो यहाँ पर क्रिएट हमने कर लिया है। चलिए अब हम लोग अपने मॉडल को यहाँ पर कलरिंग करते हैं। तो कलर करने के लिए या फिर टेक्सचर करने के लिए, ये जो टेक्सचर और पेंट है इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाना है और रियलिस्टिक सिलेक्ट कर लेना है। जब तक आप रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल नहीं रखेंगे तब तक आपको अपना प्लान जो है रियलिस्टिक में नज़र नहीं आएगा, मतलब रियल व्यू आपको नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप जो भी मटेरियल या फिर पेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे वो इसमें दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप रियलिस्टिक कर लीजिए यहाँ से। तो रियलिस्टिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पेंट ऑप्शन, मॉडिफाई पैनल पे पेंट ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर पैनल छोटे हो गए, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, छोटे हो अगर हो जाए तो क्लिक करते रहना है, ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा भी हो सकता है और इसी से आप बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पेंट ऑप्शन है, अगर पेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा पेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मटेरियल ब्राउज़र का एक यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से बहुत सारे, पहले से ही बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे क्लिक करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ करेंगे, तो इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको किसी भी फेस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर अगर क्लिक करते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर, तो इस तरह से पेंट कर सकते हो आप अपने किसी भी फेसेस को, अपने वॉल के, ये फ्लोर का भी फेस आपको पेंट करना पड़ेगा। इस तरह से आप फेसेस पे क्लिक करके यहाँ पर पेंट कर पाएंगे। अगर आपको पेंट को रिमूव करना है तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रिमूव पेंट है, तो रिमूव पेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से रिमूव भी कर सकते हो पेंट को। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रिमूव कर पाएंगे, इस तरह से पेंट को रिमूव पेंट भी कर पाएंगे यहाँ से। तो अगर इस तरह से आप अगर एक एक करके पेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पर। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ आपको पेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको हाफ वाइट कलर सबसे पहले चाहिए, तो इस टाइप का कलर आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मटेरियल्स मिलेगा, तो मटेरियल्स पे क्लिक करना है आपको। तो मटेरियल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग फिर से यहाँ पर मटेरियल्स अवेलेबल मिलेंगे, मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक न्यू मटेरियल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, एक बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप जा सकते हो क्रिएट न्यू मटेरियल पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू मटेरियल, देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू मटेरियल क्रिएट हो चुका है। इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं राइट क्लिक और इसे रीनेम कर देते हैं 1.1 डॉट वॉल पेंट डाल देते हैं। आपको जो भी चाहिए आप नाम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वॉल पेंट डाल देते हैं। तो देखिए 1 डालने की वजह से ये क्या होगा कि हमारे लिस्ट में एक नंबर पे नज़र आएगा,
वन वॉल पेंट। तो ये जो पेंट है अभी अगर यहाँ पर अपेयरेंस में जाते हो तो ये जो पेंट है हमारा वो इस तरह का नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बड़ा करते हो तो इस तरह का पेंट है कुछ ग्रे कलर का। तो हमें ग्रे कलर नहीं चाहिए, दूसरा पेंट चाहिए यहाँ पर। तो पेंट अप्लाई करने के लिए, इसमें पेंट अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर एसेट ब्राउज़र पर क्लिक करना है, ओपन एसेट ब्राउज़र। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए एसेट ब्राउज़र। तो यहाँ पर एसेट ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर के फोल्डर पर जाना है, क्लिक करना है, इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा ये। अब ओपन होने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको वॉल पेंट पे जाना है। वॉल पेंट पे जाने के बाद देख सकते हो अलग अलग टाइप के पेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको हाफ वाइट जिस टाइप का पेंट चाहिए आप उसे क्लिक कर सकते हो। तो डबल क्लिक कीजिए इस, अगर आपको ये कलर चाहिए तो इस पर डबल क्लिक करना है आपको। तो डबल क्लिक करता हूँ मैं इस पर। जब डबल क्लिक करेंगे आप तो ये जो वॉल पेंट हमारा था वो देखिए यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है इस पेंट में। तो सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है या फिर इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पेंट अप्लाई हो जाएगा। दूसरे पर क्लिक करोगे तो पेंट चेंज हो जाएगा। इसी तरह ब्लू पे क्लिक करोगे डबल क्लिक तो ये भी ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से आप पेंट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पेंट अप्लाई कर दिया, अब मैं इसे कट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया है पेंट, ओके कर देते हैं। अब चाहो तो आप अपने मॉडिफाई पे जाओगे और यहाँ पर पेंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे अपना पेंट नज़र आएगा। आप क्लिक करके, इस तरह से क्लिक करके एक एक पेंट अप्लाई कर सकते हो अपने वॉल्स में। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ इसके लिए। तो करना क्या है कि वॉल को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ पर एडिट टाइप में चले जाना है, एडिट टाइप, और यहाँ पर एडिट में जाना है आपको। एडिट में यहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा, मटेरियल। तो मटेरियल के यहाँ पर आपको थ्री डॉट मिलेगा, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेंट नज़र आएगा। पेंट पे सिलेक्ट करना है अपना पेंट और ओके करना है। तो यहाँ पर देखिए इस मक्का मटेरियल चेंज हो गया। तो ये जो वॉल है हमारे वॉल में ये पेंट अप्लाई होगा। ओके करते हैं और फिर से ओके कर देते हैं। तो देखिए जितने भी उस टाइप के वॉल्स थे सारे वॉल्स में हमने पेंट अप्लाई कर दिया है। इसी तरह से अगर आप इस वॉल पे, ये जो 4.5 इंच की वॉल है उस पर क्लिक करते हो, एडिट टाइप में जाते हो, एडिट में जाते हो, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करते हो, यहाँ पर ओके करते हो, क्लिक करके ओके ओके, तो यहाँ पर 4 इंच के वॉल पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 6 इंच की वॉल, जो पैरापेट की वॉल है, 6 इंच की वॉल पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देखते हैं इसका कलर कौन सा है, पैरापेट वॉल, जी हाँ यहाँ पर वाइट ही कलर है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्रीम कलर वॉल के लिए, ओके ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा पेंट अप्लाई हो गया है। ये जो फ्लोर में आपको नज़र आ रहा है, फ्लोर में भी पेंट आपको अप्लाई करना होगा। इसका आप यहाँ पर पेंट का इस्तेमाल करके डाल सकते हो। तो पेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको वॉल पेंट, और उसके बाद इन फ्लोर्स पे क्लिक करना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी, और यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप सारे जगह पर पेंट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी कर देंगे वॉल पेंट, जैसा फ्लोर पे भी हमने अप्लाई कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब बाकी के पेंट्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे एक्सट्रूजन्स किए हुए हैं यहाँ पर, तो एक्सट्रूजन्स को पेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप डायरेक्ट पेंट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर पेंट पर जाएंगे और यहाँ पर अगर इस फेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नहीं होगा, किसी भी एक्सट्रूजन पे अप्लाई नहीं होगा। तो एक्सट्रूजन पे अगर आपको पेंट करना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर एडिट इन प्लेस पे जाना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद एडिट इन प्लेस, मतलब ये एडिट हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए मॉडिफाई में यहाँ पर पेंट कर पाएंगे। तो एडिट करने के बाद ही पेंट होगा ये। तो यहाँ पर आप पेंट पे जाइए और कोई भी पेंट यहाँ से ले सकते हो, या फिर मैं क्या करता हूँ कि इस पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जा जाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मटेरियल ऑप्शन है। तो मटेरियल पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो हमें ऑरेंज कलर चाहिए थोड़ा, तो यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है ऑरेंज कलर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर न्यू, एक क्रिएट न्यू मटेरियल कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इसका रीनेम कर देता हूँ टू डॉट वॉल पेंट, ओके वॉल पेंट। यहाँ पर जाते हैं आप एसेट ब्राउज़र में, एसेट ब्राउज़र में सेकंड नंबर का फोल्डर, यहाँ पर जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पेंट में जाते हैं, वॉल पेंट देखते हैं। अलग अलग टाइप की यहाँ पर अवेलेबल है सारे, लिक्विड, मेसनरी, फ्लोर, ग्लास, फैब्रिक, फिनिशिंग, सारे ऑप्शन अवेलेबल है, सारे पेंट्स अवेलेबल हैं। वॉल पेंट चाहिए मुझे यहाँ पर ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस टाइप का कलर है, डबल क्लिक कर देता हूँ इस पर, अप्लाई हो जाएगा हमारे। अब मैं इसे
क्लोज कर देता हूँ। और कोई कलर है, ग्रे कलर है, चलिए अभी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसे। यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे यहाँ पर 3 डॉट, यहाँ पर मैं वॉल पेंट कर देता हूँ पेंट। यहाँ पर मैं जाता हूँ एसेट ब्राउज़र पे, यहाँ पर मैं ग्रे कलर ढूंढता हूँ, यहाँ पर ग्रे कलर। तो अगर आपको ग्रे कलर नहीं मिल रहा है, कोई भी कलर अगर आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर है ग्रे कलर, डबल क्लिक करते हैं। तो अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर अपेयरेंस में जाने के बाद यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अवेलेबल है सारे कलर्स, यहाँ पर आप कलर चेंज कर पाएंगे। ओके, देखिए मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है, 3 पेंट मैंने ले लिया है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो एक ही बार सारे मटेरियल्स यहाँ पर ले सकते हो, और भी कोई कलर्स होंगे तो आप यहाँ पर बना लीजिए। तो कुछ इस टाइप का ब्राउन कलर भी बना लेते हैं हम लोग। ब्राउन कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, यहाँ पर 4 डॉट करते हैं पेंट, और फिर से यहाँ पर एसेट ब्राउज़र, यहाँ पर चले जाते हैं वॉल पेंट, और यहाँ पर ब्राउन कलर देखते हैं कहाँ पर है। तो ब्राउन कलर यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्राउन कलर यहाँ पर है, डबल क्लिक करेंगे ब्राउन कलर पे और क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पर ब्राउन कलर भी आ गया है, चाहो तो आप डार्क भी कर सकते हो इस ब्राउन कलर को, देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने चारों यहाँ पर पेंट बना लिए हैं, अप्लाई करते हैं अब। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो इसको ऑरेंज कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये वाइट कलर भी चाहिए, ये वाइट कलर में चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बाई कैटेगरी वाइट कलर, ये हाफ वाइट ले सकते हो या फिर वाइट कलर बना लेते हैं हम लोग। तो वाइट कलर के लिए आप यहाँ पर नीचे अगर जाते हो तो जिप्सम कलर एक अवेलेबल होता है यहाँ पर, जिप्सम, जो कि वाइट कलर में होता है, डबल क्लिक करते हैं, देखिए वाइट कलर का यहाँ पर आ गया है। इस तरह से ये वाले जो वाइट कलर में ये है, इनको क्लिक करना है कंट्रोल, इनको, तो इनको पेंट करते बैठना नहीं है आपको, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पेंट करेंगे तो। सिलेक्ट करना है डायरेक्ट, यहाँ पर मटेरियल पे जाना है, मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पर वॉल पेंट को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पूरी तरह से ये वाइट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी मैं इसे वाइट कलर कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर भी वाइट कलर है, और ये जो फ्लोर है उसका ज़रा ब्राउन कलर में है थोड़ा सा, उसको भी हम लोग बाद में ब्राउन कलर कर लेंगे। चलिए आगे कलर देते हैं यहाँ पर, तो ऊपर ये वाइट कलर के पट्टी हम लोग इसे भी, और यहाँ पर जो भी हमें मिलते हैं उसे वाइट कलर, इसे भी वाइट कलर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये ब्राउन ग्रे कलर है तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एडिट, यहाँ पर ग्रे कलर में, यहाँ पर ऊपर की तरफ फर्स्ट में यहाँ पर ग्रे कलर पेंट, और इसे हम लोग ब्राउन कलर कर देंगे सिलेक्ट करके। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक, यहाँ पर ब्राउन कलर, उसके बाद यहाँ पर जो ये नज़र, आपको कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं ब्राइट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, और यहाँ पर लाइटिंग, और यहाँ पर हम लोग एम्बियंट लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सनलाइट को भी बढ़ा देंगे अप्लाई, तो आपको कलर थोड़े से नज़र आएंगे ब्राइट में। ओके, अब आप देख सकते हो, यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसे भी हम लोग ब्राउन कलर कर देंगे, डबल क्लिक, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो आप। यहाँ पर ये वाला जो है छज्जा, उसका कलर यहाँ पर डाल देते हैं, मैं ऑरेंज डाल देता हूँ, इसे थोड़ा अच्छा लगेगा ऑरेंज। और यहाँ पर ये दोनों है जो, वो कौन से कलर में है, वाइट कलर में, आप चाहो तो कोई दूसरा कलर ले सकते हो ऑरेंज, इस तरह से थोड़ा सा दिखेगा वो। यहाँ पर ग्रे कलर, तो इसे हम लोग, यहाँ पर नॉर्मल कलर है हमारा वॉल का कलर, वॉल पेंट, और ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कर देंगे यहाँ पर ग्रे कलर, और यहाँ पर जो ये नज़र आ रहे हैं हमें, इसे आप कोई भी कलर दे सकते हो, यहाँ पर हम लोग ब्राउन कलर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसे भी हम लोग वाइट कर देंगे, इस पट्टी को वाइट कलर, तो यहाँ पर जिप्सम, जी फॉर जिप्सम, जिप्सम लेने के बाद यहाँ पर हम लोग चॉकलेटी ब्राउन कलर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रे कलर ले लेना है, उसके बाद इस विंडो के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल वॉल का कलर ले लेना है हाफ वाइट, कुछ इस तरह से। तो देखिए हमारा बंगलो अभी रेडी होता जा रहा है, इन पाइप्स को हम लोग स्टील का कलर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो अगर जाते हो यहाँ पर स्टील भी अवेलेबल है, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, अगर जाते हो नीचे की तरफ देखिए स्टेनलेस स्टील, डबल क्लिक, यहाँ पर ब्लैक कलर में नज़र आएगा, और रेंडर करते वक्त ये हमें स्टील पेंट में नज़र आएगा। यहाँ पर सारे एक्सट्रूजन्स को हमने कलर कर दिया है, यहाँ पर इससे बाकी है, इसे भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे ग्रे कलर में, तो
तो अलग अलग कलर में आप दिखा सकते हो। फिनिश कर देंगे, अभी हमारा पेंट हो गया एक्सट्रूजन में। तो एक्सट्रूजन के पेंट को करने के लिए आपको इसे एडिट इन प्लेस करना पड़ेगा। अब इस कैटेगरी को आप में करेंगे, इस ग्रुप के एक्सट्रूजन को हम लोग पेंट करेंगे, तो इसे सिलेक्ट करना है और इसे भी एडिट इन प्लेस करना है, तो इस ग्रुप के एक्सट्रूजन्स को हम लोग पेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग कर देते हैं इसे भी पेंट। सेलेक्ट करेंगे इस बार को, यहाँ पर जाएंगे मटेरियल में, यहाँ पर कर देंगे हम लोग ब्राउन कलर, उसके बाद यहाँ पर जो है वाइट कलर, जिप्सम ले लेना है। यहाँ पर ये देखिए जिप्सम, और फिर ये जो है हम लोग वाइट कलर में रखना है इसे, तो वाइट कर देते हैं इसे भी। और नहीं, वाइट नहीं है, हाफ वाइट है यहाँ पर, हाफ वाइट। तो यहाँ पर हाफ वाइट, और ये जो बार्स हैं इसे स्टील कर देते हैं, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील। और फिर ये जो है यहाँ पर ब्राउन कलर, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं इसे वाइट कलर। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हो। टाइल्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जिप्सम, उसके बाद इस बॉक्स को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर ग्रे कलर है इसका, तो ग्रे कलर डाल देंगे इसके लिए, ग्रे कलर। ओके, तो इसे भी हमने पेंट कर लिया है। चलिए गेट को कलर करते हैं यहाँ पर, तो ब्राउन कलर इन दोनों को इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर थ्री डॉट ब्राउन कलर, यहाँ पर जो आपको गेट नज़र आ रहा है इसके लिए हम लोग ब्लैक कलर देंगे। यहाँ पर देखते हैं कोई ब्लैक कलर अवेलेबल है या नहीं, नहीं है तो हम लोग न्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक, रीनेम, फाइव डॉट यहाँ पर पेंट कर देंगे, और यहाँ पर एसेट ब्राउज़र, अपीयरेंस, यहाँ पर हम जाएंगे वो मेटालिक पेंट, और यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेंगे, ये वाला ब्लैक कलर है, डबल क्लिक, यहाँ पर आ चुका है ब्लैक कलर, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा, और अंदर का जो है वो वाइट कलर में रख देंगे। यहाँ पर वाइट कलर रख सकते हो आप, यहाँ पर जिप्सम, ओके, तो जिप्सम यूज़ कर सकते हो या फिर कोई और भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। फिनिश कर देंगे। ये जो वॉल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसे वाइट कलर करना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको थोड़ा सा वाइट है यहाँ पर, तो मैं दे देता हूँ, पेंट कर देता हूँ इस वॉल को यहाँ पर। तो जिप्सम पेंट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जिप्सम, और यहाँ पर इस टाइप में वाइट कलर अप्लाई कर सकते हो, स्केप। चलिए अब हम लोग ये जो फुटपाथ हमारा है इसे हम लोग करते हैं एडिट, सेलेक्ट करके एडिट। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्सट्रूजन्स, इसे हम लोग वाइट कलर में कर देंगे, यहाँ पर वाइट कलर, जिप्सम, ओके। और ये जो आपको नज़र आ रहा है अंदर का फुटपाथ, इसे हम लोग कोई और यहाँ पर टाइल्स अप्लाई करेंगे। न्यू क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर, क्रिएट न्यू, राइट क्लिक, रीनेम, और यहाँ पर मैं 6 डाल देता हूँ, पाथ डाल देते हैं यहाँ पर, फुटपाथ। यहाँ पर जाते हैं एसेट ब्राउज़र, अपीयरेंस, यहाँ पर जाते हैं हम लोग साइट वर्क में देख सकते हो आप, अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे टाइलिंग अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो यहाँ से। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ कोई भी टाइल्स पे, थोड़ा सा नहीं, इस टाइप में डबल क्लिक करते हैं इस पे, क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पाथ में यहाँ पर मटेरियल अप्लाई हो गया है, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फुटपाथ के लिए भी हमने पेंट अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद ये रोड का, यहाँ पर रोड है तो ये रोड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, यहाँ पर डाल देते हैं 7 डॉट, यहाँ पर रोड कर देते हैं, और यहाँ पर मैं एसेट ब्राउज़र में जाता हूँ, सेकंड टाइप के फोल्डर को यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर जाते हैं साइट वर्क, और यहाँ पर एग्रीगेट पर डबल क्लिक करेंगे, एग्रीगेट को ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, अब उसे ओके कर दीजिए तो यहाँ पर एग्रीगेट का मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप ग्राउंड को भी यहाँ पर ग्रास अप्लाई कर सकते हो। तो इसे मैं अब फिनिश कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर रोड को भी यहाँ पर पेंट कर दिया है। चलिए इसे हम लोग ग्रास अप्लाई करते हैं, ये जो हमारा मटेरियल है, तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मटेरियल आपको नज़र आएगा, मटेरियल यहाँ पर जाना है 3 डॉट पे। अब यहाँ पर आपको ग्रास मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, यहाँ पर रीनेम, यहाँ पर 8 डॉट ग्रास मटेरियल अप्लाई करना है, ग्रास, और यहाँ पर जाना है एसेट ब्राउज़र, अपीयरेंस, यहाँ पर आपको साइट वर्क में जाना है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रास मिलेगा, डबल क्लिक कर दीजिए तो ग्रास का भी मिल गया है, ओके। देखिए यहाँ पर ग्रास अप्लाई हो जाएगा,
देख सकते हो यहाँ पर आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर ग्रास नज़र आ रहा है, इस तरह ग्रास मटेरियल भी आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर प्लिंथ आपको नज़र आ रहा है, प्लिंथ में आप चाहो तो दूसरा मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर प्लिंथ में दूसरा कोई अप्लाई करना है तो आप सिंपल यहाँ पर मैनेज में जाइए, मटेरियल में जाइए और यहाँ पर एक न्यू मटेरियल क्रिएट कर लीजिए, राइट क्लिक, यहाँ पर रीनेम, 9 डॉट करना है, 9 डॉट, और यहाँ पर प्लिंथ डाल देते हैं, प्लिंथ यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर अपीयरेंस लाइब्रेरी और यहाँ पर कोई भी साइट वर्क वगैरह, टाइल्स मार्बल्स आप ले सकते हो। स्टोन में अप्लाई करते हैं कोई, तो स्टोन में मैं ये वाला ले लेता हूँ, डबल क्लिक, देख सकते हो स्टोन आ गया है। ओके, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा पेंट में, तो मॉडिफाई में यहाँ पर पेंट है, पेंट पे क्लिक, यहाँ पर पेंट सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले ये वाला, और यहाँ पर इस फेस पे क्लिक। तो इस तरह से आप फेसेस पे क्लिक करके यहाँ पर मटेरियल अप्लाई कर पाएंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने अलग अलग जगह अप्लाई कर दिया है, तो इस तरह से आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे मटेरियल को। तो जो पोर्शन नहीं दिख रहा है वो पोर्शन में आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कोई चेंजेस करने की। यहाँ पर टाइलिंग वर्क है, टाइल वर्क है, तो चलिए यहाँ पर टाइल वर्क भी हम लोग पेंट कर लेते हैं। मैनेज में यहाँ पर मटेरियल क्रिएट करते हैं हम लोग, मटेरियल में जाके यहाँ पर क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम कर देते हैं यहाँ पर 10 डॉट, यहाँ पर टाइल्स, और यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर अपीयरेंस लाइब्रेरी, यहाँ पर स्टोन, अलग अलग मटेरियल इसमें अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं टाइल, तो टाइल जितने टाइप के होंगे यहाँ पर आ जाएंगे हमारे सामने। तो ये वाला टाइल मैं ले लेता हूँ, डबल क्लिक, सिरेमिक, ओके करते हैं। अब पेंट में जाएंगे, यहाँ पर मॉडिफाई में पेंट, अब पेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर टाइल ढूंढ सकते हो, 10th टाइल, यहाँ पर एक क्लिक, फिर इस फेस पे क्लिक, इस फेस पे क्लिक। तो इस तरह से आप टाइल वर्क भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे कुछ इस तरह से। तो टाइल्स भी मैंने अपने होम में यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सेम तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता इस इमेज की तरह, ये सेम मटेरियल अवेलेबल मेरे पास नहीं है, आपके पास होंगे तो आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है अपने बंगलों को पूरी तरह से। अब हमें इसका रेंडर निकालना है रिविट में। तो रेंडर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें एक कैमरा व्यू सेट करना पड़ता है। तो कैमरा व्यू सेट करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल पे जाना है। ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाते हो क्विक एक्सेस में तो आपको कैमरा व्यू मिलेगा, या फिर आप यहाँ पर व्यू में जाते हो तो यूवी में भी यहाँ पर ऑप्शन है कैमरा व्यू, तो आप कहीं से भी ले सकते हो कैमरा व्यू, कैमरा ले लीजिए। उसके बाद आपको कैमरा को सेटअप करना है। समझो मैं यहाँ पर कैमरा को रख देता हूँ। यहाँ पर लेने के बाद आपको अपने फोकस को इस साइड में लेना है, देखिए पूरी तरह से कवर अप करना है अपने घर को। यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक, अब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कैमरा व्यू मिलने लगेगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो व्यू रेंज है इसको हम लोग कम कर देते हैं, छोटा, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला हम लोग छोटा कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर से भी थोड़ा छोटा कर देंगे, तो इतना व्यू हमें चाहिए। तो इस तरह से आप चाहो तो थोड़ा सा ऑर्बिट वगैरह भी कर सकते हो इस तरह से। देख सकते हो कि हमारा व्यू यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ इसे, रियलिस्टिक, देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू आपको नज़र आएगा। आप चाहो तो एक से ज़्यादा कैमरा व्यूज़ यहाँ पर सेटअप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जाना है कैमरा व्यू में, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पर फ्रंट से भी ले सकते हो कोई भी कैमरा, इस तरह से इसे छोटा कर देंगे, यहाँ से भी छोटा कर देंगे, यहाँ से भी छोटा कर देंगे। तो इस तरह से आप सबसे कैमरा सेट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप 3D व्यूज़ में जाते हो तो आपने जितने कैमरा क्रिएट हुए होंगे यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, आप डबल क्लिक करके उन व्यूज़ को देख पाएंगे। तो यहाँ पर 3D व्यूज़, एक कैमरा फर्स्ट कैमरा और ये सेकंड कैमरा। तो यहाँ पर रियलिस्टिक कर लीजिए इसे, कंसिस्टेंट या फिर रियलिस्टिक, देखिए इस तरह का नज़र आएगा। तो चलिए हम इससे रेंडर करते हैं इस व्यू को। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कैमरा है एक और सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक ले लेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे, और यहाँ पर इस तरह से फोकस लेंगे इसका, तो देखिए कुछ इस तरह का नज़र आएगा। थोड़ा सा रोटी ऑर्बिट करेंगे इसे इस तरह से, नीचे से थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ पर भी छोटा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने व्यू को ले लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे रियलिस्टिक व्यू कर देता हूँ। अब हम इसे रेंडर कर सकते हैं। आप चाहो तो बैकग्राउंड में स्काई भी सेट कर सकते हो, आप चाहो तो इसी तरह से प्रिंट कर सकते हो बैकग्राउंड में स्काई सेट करके। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पर जाने के बाद ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड नन है फिलहाल, स्काई ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो स्काई आ गया यहाँ पर।
आप इस तरह से भी फोटो यहाँ पर ले सकते हो, या फिर यहाँ पर आप ग्रेडियंट ले सकते हो जिससे आप यहाँ पर दो कलर सेट कर पाएंगे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर मैं एक स्काई का कलर लेता हूँ, एक डार्क कलर, तो यहाँ पर मैं डार्क कलर ले देता हूँ स्काई के लिए, और एक यहाँ पर मैं फेंट कलर ले देता हूँ स्काई के लिए। ओके अप्लाई। तो इस तरह से भी आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो या फिर इमेज भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर इमेज लेते हो तो यहाँ पर कस्टमाइज इमेज, और कस्टमाइज इमेज में जाने के बाद आप यहाँ पर इमेजेस में जा सकते हो। आपने स्काई का इमेज जहाँ पर सेव किया है वहाँ पर आपको जाना है। तो स्काई का इमेज मेरा यहाँ पर एडिटिंग डेटा, यहाँ पर इमेजेस अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पर मैं स्काई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन, देखिए इस टाइप का इमेज। ओके अप्लाई। ओके तो यहाँ पर देखिए ये जो रियलिस्टिक स्काई भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो और डायरेक्ट इसका आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर नीचे अगर आते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज एंड एनिमेशन। तो यहाँ पर आपको इमेज पे क्लिक कर देना है। इन्हें इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर आपको अपना इमेज सेव करना है वहाँ पर आपको चले जाना है। फिलहाल मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ और यहाँ पर 3D बंगलो नाम सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लैरिटी सेट करनी है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्लियर आपकी इमेज आएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर 5000 कर देता हूँ, 5000 पिक्सल। ओके ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी इमेज क्रिएट हो रही है, ये क्रिएट हो चुकी है। अब आप अगर यहाँ पर मिनिमाइज़ करते हो, यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखोगे तो यहाँ पर इमेज क्रिएट हो चुकी होगी, देख सकते हो यहाँ पर डबल क्लिक। यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हो एकदम क्लियर इमेज यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से इमेज भी आप क्रिएट कर पाएंगे, या फिर अगर आपको इसमें रियलिस्टिक रेंडर चाहिए तो रेंडर भी यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए रेंडर करके देखते हैं हम अपने प्लान को। तो रेंडर करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर व्यू में जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रेंडर। तो यहाँ पर रेंडर पे आपको क्लिक कर लेना है। रेंडर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रेंडर ऑप्शन डायरेक्ट है। तो यहाँ पर आप चाहो तो क्लैरिटी क्वालिटी भी सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ड्राफ्ट, मीडियम, हाई, बेस्ट, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कंप्यूटर का उसके हिसाब से आप ड्राफ्ट या मीडियम ही रखिए। अगर कन कॉन्फ़िगरेशन का है तो, अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप ज़्यादा रख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ड्राफ्ट ही रखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर रेंडर पर क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर लोड होगा थोड़ा सा, यहाँ पर जितना आपका PC अच्छा होगा, फास्ट होगा, उतना जल्दी आपका यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। देख सकते हो कि हमें एक रियलिस्टिक रेंडर यहाँ पर मिल गया है, जो ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है इसकी। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्लैरिटी सेट कर सकते हो। तो क्लैरिटी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है ये स्क्रीन पे है, तो स्क्रीन की जगह प्रिंटर पे चले जाना है और प्रिंटर पे यहाँ पर 300 से ज़्यादा पुट करना है। आप यहाँ पर 1200 तक जा सकते हो, मगर ज़्यादा आप अगर 1200 रखेंगे तो आपको रेंडर में भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 300 फिलहाल मैं रख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये मैं यहाँ पर जो यहाँ पर एक सेटिंग है, देखिए बैकग्राउंड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्काई, तो यहाँ पर फ्यू क्लाउड्स का स्काई है, मतलब क्लाउड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्लियर नो क्लाउड्स कर देता हूँ, क्लियर स्काई यहाँ पर कर देता हूँ। तो क्लियर स्काई कर देंगे और यहाँ पर रेंडर करेंगे। तो देखिए रेंडर करने के बाद आपको एक क्लियर स्काई में आपका एक रेंडर यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 300 पिक्सल में थोड़ा हमें जो इमेज है वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको टाइमिंग सेट करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो 3 डॉट में, टाइम को सेट करने के लिए 3 डॉट में जाना है। यहाँ पर आपको स्टिल में जाना है। स्टिल में जाने के बाद आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं 11 AM का सेट कर देता हूँ, 11 AM। ओके और फिर रेंडर करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो 11 AM के टाइम पे देखिए कुछ इस तरह का रेंडर आपको मिलेगा। अगर आप शाम का टाइम सेट करते हो यहाँ पर, अगर स्टिल पे जाके यहाँ पर आप 6 बजे का टाइम सेट करते हो PM, ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको शाम का यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इवनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर लाइट बिल्कुल कम हो गई है। तो मैं यहाँ पर 6 की जगह यहाँ पर 5 कर देता हूँ, 520 कर देते हैं, 520। ओके आप रेंडर करते हैं। तो हमें यहाँ पर फिलहाल ब्लैक नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं एडजस्ट एक्सपोजर यहाँ पर कर देता हूँ ब्राइट। देखिए इसका प्रॉब्लम था, यहाँ पर आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट एक्सपोजर, इससे आप अपने इमेज की ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर पाएंगे। ब्राइटनेस ब्राइट की तरफ ले जाइए, इस तरह से आप ब्राइट कर पाएंगे, डार्क कर पाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर इवनिंग सीन भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर भी और भी एडिटिंग के ऑप्शन हैं, इंटेंस, यहाँ पर इस तरह से बहुत से कलर के ऑप्शन हैं, थोड़ा बहुत आप एडिट कर पाएंगे।
आप चाहो तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो एडिटिंग और बैकग्राउंड के लिए, फोटोशॉप की तरह। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप की इसमें इमेज क्रिएट कर पाएंगे। अब इमेज को आपको सेव कैसे करना है, तो आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेव टू प्रोजेक्ट, सेव टू प्रोजेक्ट करने पर ओके कर दीजिए, आपके यहाँ पर रेंडरिंग आपके प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। और अगर आपको बाहर चाहिए डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और आप डेस्कटॉप पे यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो मैंने सेव कर दिया है अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा इमेज यहाँ पर हमको डेस्कटॉप पे मिल गया है। तो इस तरह से आप अपने इमेज को यहाँ पर डेस्कटॉप पे ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर और भी क्लियर इमेज चाहते हो, तो यहाँ पर आप DPI को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 600 DPI, और यहाँ पर मैं अपने टाइमिंग को चेंज करके यहाँ पर 11 PM कर देता हूँ, 11 AM। ओके, यहाँ पर मैं क्लियर यहाँ पर रेंडर करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर मीडियम पे सेट कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पर रेंडर सेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा रेंडरिंग हो चुका है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आ रही है, तो मैं इसे एडजस्ट एक्सपोजर में ब्राइटनेस को कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पर ब्राइटनेस डार्क की तरफ। तो इस तरह से आप अपने ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे बाय यूजिंग एक्सपोजर वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अप्लाई। ओके, देखिए हमें एक क्लियर इमेज यहाँ पर मिल चुकी है, आप देख सकते हो रेविट का इस्तेमाल करके हमने ये इमेज बनाई है। तो इस तरह से आप अपने इमेजेस को रेविट में इजीली क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके इसे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप में भी हमें इसकी इमेज यहाँ पर मिल चुकी है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे रेंडरिंग्स चाहिए, तो आप प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि एनस्केप। एनस्केप में बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे रेंडरिंग्स मिलेंगे, या फिर आप वीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह का। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर अगर आपको इमेज बैकग्राउंड में इमेज को ही सेट करना है, तो आप यहाँ पर इमेज लेकर यहाँ पर इमेज को बैकग्राउंड में सेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पर एडिटिंग डेटा, और यहाँ पर बैकग्राउंड पे मैं कोई स्काई सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं किसी स्काई को यहाँ पर कुछ इस तरह की स्काई को मैं सेट कर देता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पर अब अगर रेंडर करेंगे 300 DPI पे, देखिए बैकग्राउंड में आपके इस यहाँ पर इमेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप इमेज भी सेट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में बाय यूजिंग यहाँ पर इमेज, या फिर ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप उसमें इमेज डाल सकते हो। कोई कलर भी रख सकते हो, पिंक, येलो, वाइट, ब्लू, तो इस तरह से कलर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैं इसे कट कर देता हूँ रेंडरिंग को, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे ये जो रेंडरिंग क्रिएट हो रही है, इसमें जनरली अभी तो बैकग्राउंड में कोई भी प्लांट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप प्लांट्स डालना चाहो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आप मासिंगन साइट में जाते हो, तो साइट कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं। साइट कंपोनेंट में जाके यहाँ पर आप प्लान में सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे चले जाइए। ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद साइट कंपोनेंट, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत से ट्रीज अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पर। तो आप इन ट्रीज़ को लगा सकते हो अपने गार्डन में यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके प्लान में थोड़ा सा लुक आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, कोई भी ट्री लगा सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर अगर ह्यूमन बॉडी चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पर साइट कंपोनेंट में जाके। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ प्लेस ए कंपोनेंट में। प्लेस ए कंपोनेंट, लोड फैमिली, यहाँ पर आपको जाना है US इम्पेरियल। इसके बाद यहाँ पर एंटोरेज करके एक होगा, एंटोरेज। और यहाँ पर देखिए कार भी अवेलेबल है, ह्यूमन बॉडी अवेलेबल है, ट्रक अवेलेबल है, ट्रैक्टर अवेलेबल है, ले सकते हो। दोनों को मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, लोड कर लेता हूँ अपनी फैमिली। और चाहो तो यहाँ पर आप एक एक करके इनको रख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर इस तरह से। अब अगर आप 3D व्यू देखते हो, तो आपको ये सारे चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए हमने यहाँ पर लगा लिया है ट्रक, इसके साथ भी आप इसकी रेंडर रेडी कर सकते हो। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। आगे भी हम इस तरह के बहुत से वीडियोस लाने वाले हैं। आप चाहो तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।